हेलो स्टूडेंट, तो हम आ पहुंचे हैं अब लेक्चर नंबर 19 मॉडर्न फिजिक्स पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है इस चैप्टर का, 4 से 5 क्वेश्चन आपके नीट के अंदर इसमें आते हैं, तो मैंने सारे रखे हुए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। और एक एक सेक्शन, जैसे एक हो गया बोर मॉडल क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका उसके बाद न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, तीसरा इसमें हो गया फोटॉन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना, यहीं से मिलेंगे। चौथा हो गया आपका डी ब्रोगली, पाँचवा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक। ये 5 क्वेश्चन का सेट हमेशा हर साल, ठीक है ना, 4 से 5, एक आधा छूट गया तो छूट गया, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन का सेट हर साल नीट एग्जाम में रहा है, ठीक। तो हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, आज का लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स का कर लो, नीट में आप प्रॉब्लम करके आ जाओगे, ठीक है ना। तो हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे नीट के पॉइंट ऑफ, देखो मेन इस चैप्टर में क्या है, थ्योरी आप इसकी केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो थ्योरी नहीं, थ्योरी के साथ उसके प्रॉब्लम्स का एप्लीकेशन, क्योंकि आप देखोगे कि जो आए हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है। कोई आपसे वहाँ ये नहीं पूछने जा रहा कि बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट बताओ हमें क्या आता है, ठीक है ना, वो नहीं पूछने जा रहा आपसे, या कोई रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहा आपसे, एप्लीकेशन पूछने जा रहा है, वो एप्लीकेशन आपको करना आता है, आप लड़ाई जीत चुके हो, आप 4 से 5 प्रॉब्लम करके आ जाओगे। तो आज का लेक्चर लंबा रहेगा क्योंकि 5 प्रॉब्लम में छोटा तो रख नहीं सकता मैं इसको, ठीक है ना, और हम इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे मज़ेदार तरीके से। सबसे पहले मैं एटम वाले चैप्टर पर काम करूंगा, फिर उसके प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर अगला, फिर उसके प्रॉब्लम, फिर लास्ट में PYQs रहेंगे, ठीक है ना। तो जितने अच्छे से कर सकते हो मज़ेदार तरीके से चैप्टर तैयार कर लो, फुल और फुल मार्क्स आपके इसके अंदर रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटम वाले कंसेप्ट से। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थ्योरी ऑब्वियसली नहीं हो रही, ठीक है ना, हम उसको प्रिसाइसली जो एग्जाम के लिए रिवाइज करना चाहिए, जितना करना चाहिए वो मैं सारा करा रहा हूँ। तो बोर, ये जो अपना एटम वाला टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। ये मॉडल फेल हो गया था, क्यों फेल हो गया था, क्योंकि ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था, और स्प्लिटिंग अप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं बता पाया था। तो ये तो गए छोटे से थ्योरेटिकल पॉइंट, अब जो बता पाया था पहले उस पर काम कर लेते हैं। तो बता क्या पाया था कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे चले जाते हैं, थोड़े बहुत कुछ स्मॉल एंगल पर डेविएट होते हैं, 1 in 10,180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होता है और वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाता है। तो पहली चीज जो बनती है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दूसरी चीज जो बनती है वो है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो देखो, अगर आपको क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस निकालना है तो हम डायरेक्ट हेड ऑन इंपैक्ट करा रहे हैं, इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, बिल्कुल लाइन ऑफ अप्रोच की तरफ यह मूव कर रहा है। तो जब ये r नॉट के डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी अप्रोच की, और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस। अगर आपको क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस निकालना है, गिवन कि ये हमारा न्यूक्लियाई फिक्स्ड है, तो इस सिचुएशन में आप कंसेप्ट अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। अगर इनिशियली इसको लार्ज डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया गया था तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी जो यहां जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो सिंपल वन लाइन का कंसेप्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और यहां से हम वर्कआउट कर लेंगे, मैंने न्यूमेरिकल रखे, परफेक्शन आ जाएगा। अब दूसरा, तो इसने दूसरा रिजल्ट ये दिया कि कितने अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पर स्कैटर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ/2 के बराबर होता है। इस पे भी आपको न्यूमेरिकल अभी मिल जाएगा। तो ये 2 चीजें हैं जिन पर रदरफोर्ड के प्रॉब्लम बनते ही बनते हैं, ठीक है ना, आगे रखे हुए आप देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोर मॉडल। बोर मॉडल बेहद आसान, ठीक है ना, जो अपने 3 पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड होता है। पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और जो उनके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में परमिटेड टू रिवॉल्व होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसकी कहानी लिख करके बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं, ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे ये सबको ही याद रहने चाहिए, आना ही इसी से सवाल। तो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड और डैपोल मोमेंट। डैपोल मोमेंट निकालना मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड में सिखाया था, किसी भी घूमते हुए चीज का डैपोल मोमेंट निकालना है, तो m/l का रेशियो q/2m के बराबर हो गया। अब l को इधर टांग दो तो m का वैल्यू हमारे पास आ गया e/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, जिसको हमने डाल दिया nh/2π। अब यहाँ पर अगर हम n को 1 डाल दें तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग जो डैपोल मोमेंट होता है, इसी को हम बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, और ये डैपोल मोमेंट हमारा आ जाएगा eh/4πm। ये हो गया बोर मैग्नेट्रॉन। तो अगर मतलब किस्मत बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सवाल बनाना है एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा, बोर मैग्नेट्रॉन उठा के पूछ लेगा। अब इस पे उसकी किस्मत खराब है जिसको बेचारे को क्लिक ही नहीं किया कि बोर मैग्नेट्रॉन क्या बीमारी होती है।
तो फिर तो गया काम से। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी बिल्कुल फ्लो में रहनी चाहिए, ठीक है ना। बोर मैग्नेट्रॉन हर किसी का N के ऊपर डिपेंड करता है, Z के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो चाहे आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, चाहे हीलियम प्लस की बात कर रहे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशी की बात कर रहे हो, सबके लिए बोर मैग्नेट्रॉन सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का, चाहे आप हीलियम प्लस ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, सबका बोर मैग्नेट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है। चलते आगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर एक बड़ा, ये मैंने आपको ग्रेविटेशन में ऑब्वियसली बताया था, फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ और फिर से इस पर एक जबरदस्त सवाल है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरी की पूरी ये नहीं कि आप इतनी मोटी गट्ठर बना करके मॉडर्न फिजिक्स की कहानियाँ पढ़े चले जा रहे हो। कहानी पढ़ने का समय नहीं है, एक्ट करने का समय है। तो प्रॉब्लम लगाओ, जितने प्रॉब्लम लगाओगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। यही सिंपल फंडा लास्ट मोमेंट पर फॉलो करना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप लगाएंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिलेक्शन, ठीक है, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, एक चीज अपडेट कर दूं, कान खोल के ध्यान से सुनना, ये एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब ऑर्बिट सर्कुलर हो। आपको हाँ पता है हमें, ठीक है ना। दूसरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो। सुना मेरी बात, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, यानी रेफरेंस इन्फिनिटी पर हो, तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। और किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो काइनेटिक के बराबर होता है और मॉड यू बाई टू होता है, ये एज इट इज, बट फॉर सर्कुलर ऑर्बिट होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि अगर हम रेफरेंस चेंज करते हैं, आपको सर एग्जांपल आगे रखा है, ठीक है ना। तो अगर हम रेफरेंस चेंज करते हैं, हम किसी और बोर ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम करते हैं, तो सवाल अच्छा हो जाता है। जिसको पता है वही कर पाता है, जिसको नहीं पता वो उड़ जाता है, ठीक है ना। तो नहीं, टेंशन मत लो, उड़ोगे नहीं, सीखेंगे हम लोग इसको भी। अच्छा, आगे। हाँ, अब आता है हमारा एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जब हाइड्रोजन एटम के ऊपर हम लाइट रेडिएशन या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करके हायर शेल में चले जाते हैं। एनर्जी अगर देखो तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी है -13.6, काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी करके लिखा, और पोटेंशियल एनर्जी हमने ट्वाइस लगा दिया। ये ध्यान रखना, ई और यू के साइन सेम रहेंगे, सिमिलरली सेकंड की एरी, थर्ड की एरी, तो ये सारी चीजें फ्लो में है, ठीक है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में सेम है। अब अगर आप एनर्जी देते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे फिफ्थ शेल तक एक्साइटेशन हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। इसी तरीके से अगर nth शेल तक एक्साइटेशन हुआ है, तो n-1 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन एब्जॉर्ब होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर nth शेल तक, ये मैं लिख दे रहा हूँ, तो इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, इस पर सवाल है। तो इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इफ एक्साइटेशन टेक्स प्लेस अप टू nth शेल, देन नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड आर n-1। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन की क्वांटिटी हो गई हमारी n-1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड होकर के गए हैं, ये यहीं के होके तो रह नहीं जाते, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो ये जितनी डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन निकालते हैं, उनका रिजल्ट होता है n-1/2। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर फिफ्थ शेल तक एक्साइट होकर के गए हैं, तो 4 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन अब्जॉर्ब करेंगे, 1 से 2 वाला, 1 से 3 वाला, 1 से 4 वाला, 1 से 5 वाला। जो एब्जॉर्ब करेंगे वो सारे के सारे तो एमिट करेंगे ही करेंगे, मतलब जितने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होते हैं वो सारे के सारे एमिशन स्पेक्ट्रम में भी होते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। इसलिए इनकी क्वांटिटी से ज्यादा होती है। तो कोई ये पूछे कि अगर 6 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, तो बताओ कितने डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन एमिट होंगे। तो 6 तो होंगे ही होंगे, जो एब्जॉर्ब हुए वो एमिट तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में और एक्स्ट्रा निकलेंगे। कितने एक्स्ट्रा, पहले आप यहां से टोटल निकाल लो, 6 × 6-1/2, यानी 15 हो गए। तो 15 - 6 आप कर दो, इतने एक्स्ट्रा जो है वो और एमिट होंगे, और डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन एक्स्ट्रा एमिट होंगे। तो ये कहानी है, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है और मैंने रखा आगे, आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास वही घिसा पेटा कंसेप्ट स्पेक्ट्रल लाइंस का। तो आप लाइमन, बाम और पाशन, ब्रैकेट, फोन सीरीज, ये सारी सीरीज आप जानते हो। लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहीं का भी हो, फर्स्ट शेल के अंदर आकर के गिरता है, बामर में सेकंड में गिरता है, पाशन में थर्ड में गिरता है, एंड अप टू सो ऑन। लाइमन की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए लाई करता है अल्ट्रा वॉलेट रीजन में, ठीक है ना। बामर लाई करता है विजिबल रीजन में,
इसका अभी मैं पिक्चराइजेशन एक बार वापस से दे रहा हूँ, पाशन लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जाती है। बामर के बारे में बताऊं तो जैसे ये स्पेक्ट्रल लाइन यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 एंड अप टू सो ऑन, n इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो n इक्वल्स टू, पहले लाइमन की कहानी सुनो, 2 से 1, ये 2 से 1 में जो आता है यहां एनर्जी मिनिमम होती है, इसलिए इसका नाम होता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है ना। तो ये चीज कहलाई फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता ही होगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन मिनिमम एनर्जी का होता है, ये जो होता है ना इंफिनिटी से लेकर के 1 अप टू सो ऑन, इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन। तो सीरीज लिमिट में एनर्जी मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है, तो ये ट्रांजिशन कहलाता है सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन। अब इसके बाद काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बामर सीरीज के अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले ट्रांजिशन यहां से यहां होगा, ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, ठीक है। इसको हम एच अल्फा लाइन भी बोलते हैं। ये एच अल्फा लाइन जो होती है, ये एच अल्फा लाइन एक पर्टिकुलर कलर की होती है और इसकी वेवलेंथ आप समझ गए होंगे, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, सॉरी एनर्जी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इसका जो कलर होता है वो होता है रेड, ठीक है ना, तो ये रेड कलर की होती है। नेक्स्ट जो हायर लाइन हो गई वो हो गई एच बीटा लाइन, ये हो गई एच बीटा, ये ब्लू कलर की, एंड फिर आगे अगर हम चलेंगे तो वो आ जाएगी फिर वॉलेट कलर की एंड अप टू सो ऑन। तो ये 3 रंग दिखाई देते हैं, रेड ब्लू एंड वॉलेट कलर, ठीक है ना। इसमें भी रेड और ब्लू बड़ा फेमस है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए बोला जाता है ये जो अपनी बामर सीरीज है ये विजिबल में लाई करती है। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे, पाशन आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगी एंड अप टू सो ऑन। तो ये होगी स्पेक्ट्रल लाइंस। अब अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइन में वेवलेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला 1/λ r^2 1/n^1² - 1/n^2² ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एनर्जी ध्यान रखना n इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिट होने पर आएगी और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो रहेगी वो सबसे कम रहेगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉइल ऑफ एटम। अब ये क्या सीन है, तो देखो एटम जब फोटॉन्स को एमिट करता है तो फोटोन एमिट करने के बाद एटम का रिकॉइल होता है, और रिकॉइल कभी भी कैलकुलेट करना है मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो एटम ने फोटोन को एमिट किया तो फोटोन का मोमेंटम फॉर्मूला एच बाय लैम्डा, लैम्डा निकालने का जुगाड़ ये रहा पूरा का पूरा आपके सामने, ठीक है ना। तो एच बाय लैम्डा इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है ना, और मोमेंटम ऑफ फोटोन को हम डाल देंगे एमवी के, मोमेंटम ऑफ एटम को हम डाल देंगे एमवी के बराबर। फोटोन का मोमेंटम या तो ई बाय सी हो गया या फिर एच बाय लैम्डा, सिचुएशन के हिसाब से इसको लगाएंगे, प्रॉब्लम है मिल जाएगा आपको। चलते हैं प्रॉब्लम पर। अब मैंने जैसा बोला कि इस सेक्शन के अंदर थ्योरी तो आनी चाहिए, प्रॉब्लम तो तभी लगेंगे, बट ये नहीं कि थ्योरी ही आती है प्रॉब्लम लगाने ही नहीं आते, ठीक है ना, फिर कहानी हैंग हो जाएगी आपकी। तो आपका बैलेंस पूरा प्रॉपर होना चाहिए, थ्योरी प्लस एप्लीकेशन पार्ट ऑफ थ्योरी इज मस्ट, यही कॉम्पिटिशन की पहचान होती है। जिस बच्चे को एप्लीकेशन आता है वो लड़ाई जीत जाता है। तो देखो, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया अलग अलग मेटल्स की न्यूक्लियाई की तरफ विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज मिनिमम फॉर। तो हमें पता करना है किसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम होगा। कुछ नहीं, वन लाइन का कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर किया, के तो सेम ही है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, अल्फा पार्टिकल की और न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर हम जेड ले लेते हैं, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज हो गया वो जेड ही हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2, तो Ze into 2E डिवाइडेड बाय R0। अब आप चेक करो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो सेम है, ठीक है ना, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसका मिनिमम होगा। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो यहां से हम ये कह सकते हैं R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी जितना एटॉमिक नंबर कम होगा क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। तो अब आप देख लो इसके अंदर मिनिमम एटॉमिक नंबर किसका है, वो साफ चमक रहा है कॉपर का है, तो इसके लिए क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूरा वो तो हो गया कंसेप्चुअल एस्पेक्ट आपका, अब ये पूरा परफेक्ट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आ गया, ठीक है ना, आज सीखे। ये कह रहा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी वी टुवर्ड्स एल्युमिनियम 13 न्यूक्लियस इज डी, ठीक है ना। तो हमें क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस दे रखा है, तो मैंने फटाक से इक्वेशन लिखी, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा ऐसे ही लिख लेना आप, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, इसको के लिख रहा हूँ 1/4πε0 को, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है इसलिए 13E का चार्ज उधर हो गया, अल्फा पर 2E का चार्ज हो गया, क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस डी हो गया, सिंपल। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट
The closest distance of approach of an alpha particle traveling with velocity 4v. तो अगली equation बनाई, half mass of alpha, 4v का whole square, ठीक है ना, equals to k. अब किसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, एल्यूमिनियम 26, सॉरी आयरन 26 के ऊपर, तो 26e into alpha particle है 2e divided by, हमें क्या निकालना है इसका closest approach का distance, d dash, ये बन गई equation number 2. तो मेरे ख्याल से सिंपल कंसेप्ट है, और आप भी बैठ के कहानी मत सुनते रहना, ठीक है ना, वहाँ चल के बैठ करके आप प्रवचन सुन रहे हो तो ये कोई कथा तो चल नहीं रही, आस्था चैनल तो है नहीं कि आप बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे हो, फिजिक्स का चैनल है तो दिमाग लगाओ और कुछ काम करो, तभी काम बनेगा. तो अब हम रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम रेशियो लें तो ये रेशियो में हाफ एम अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1/16. राइट साइड पर अगर मैं रेशियो देखूँ तो ये 13/26 हमें दे देगा 1/2, ठीक है ना, और डी डैश बाय डी इधर आ जाएगा. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डी डैश का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास आ गया डी बाई 8, यानी नया क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डिस्टेंस हो गया वो पहले वाले क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस का 1/8 हो गया. राइट आंसर हमारा थर्ड हो गया, है ना, मजेदार. तो सिंपल है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना 100%, ये पढ़ने के बाद आपसे 100% धड़ाधड़ लगना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा. चलते आगे, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट, अल्फा रेज स्कैटर्ड scattering the number of alpha particle scattered at 90 degree be 28 per minute. तो पहले equation लिखी, inversely proportional to sine की power 4 theta by 2. अब कितने scatter हो रहे हैं, 28 per minute. Proportional to 1 upon sine की power 4 theta by 2 करोगे तो 90 by 2 करने पर हमारे पास आ जाएगा 45. Sine 45 का value 1/√2 होता है, तो 4 पावर हो गई तो ये बचा हमारे पास 4, ठीक है ना. तो 28 प्रोपोर्शनल टू 4, बस फर्स्ट इक्वेशन मान दो. नेक्स्ट, देन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट बाय द सेम फॉइल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो n मान लेते हैं, 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री हो गया, तो साइन की पावर 4 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, तो 4 पावर चढ़ करके 16 आ गया. सेकेंड इक्वेशन मारो डिवाइड, तो 28 बाय n इक्वल्स टू 4/16 यानी 1/4, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 28 56 112. तो 112 अल्फा पार्टिकल पर मिनट स्कैटर्ड होंगे 60 डिग्री के एंगल पर. तो राइट आंसर आप इसका चेक करोगे, सेकंड वाला आ गया. चलते हैं आगे, बहुत मजेदार टॉपिक है, कुछ नहीं करना होता, धड़ाधड़ प्रॉब्लम आते हैं तो, नहीं आते तो फिर तो यार बैठे रह जाएंगे, फिर तो हमारा ये भी चैप्टर नहीं सॉल्व होगा, तो हो जाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जगह पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में फिजिक्स, माना फिजिक्स बुरी है, ठीक है ना, पर केमिस्ट्री तो अच्छी है, वहाँ तो सीखे होगे, तो उस बेसिस पे इसका भी उद्धार हो जाएगा, सीख लेते हैं. तो ये कह रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स दैट मे बी ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सैंपल इफ द एटम्स आर एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट. अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेशन हुआ है, तो हमें ये पता करना है कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मे बी ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सैंपल इफ एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट. तो कितने हमें ऑब्जर्व होंगे, तो चलो देखते हैं. तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी एटॉमिक एक्साइटेशन n इक्वल्स टू 4 तक हुआ है. ये हुआ थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब. तो n इक्वल्स टू 4 तक एटॉमिक एक्साइटेशन हुआ है, तो कितने डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स हमें देखने को मिलेंगे, तो रिजल्ट है nn-1/2. तो इतने हमें देखने को कहां मिलेंगे, एमिशन में, एब्जॉर्प्शन में नहीं, एब्जॉर्प्शन में तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दिखेंगे कहां से, ठीक है ना, तो इतने हमें मिलेंगे nn-1/2. तो 4 × 3/2 आंसर आ गया हमारे पास 6. तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन हमें देखने को मिलेंगे, राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला. नेक्स्ट पर चलते हैं, कह रहा है व्हेन अ हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ इतना एनर्जी, तो फोटोन की हमें क्या दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय. अच्छा सवाल है ना, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितने से चेंज करेगा ये बता दो. तो कैसे करें, तो देखो अब यहां काम आएगा आपका बेसिक नॉलेज. तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है, ये एमिट कर रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल में जंप कर रहा होगा, यानी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा होगा. तो डेल्टा l का वैल्यू हो गया डेल्टा n h/2π. तो अगर हम ये पता लगा ले गए कि ये 12.1 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहां से कहां डीएक्साइटेशन पर निकलती, अपना काम बन गया, ठीक है ना. तो चलो वापस से पूरा एनर्जी वाला डायग्राम बनाते हैं. तो देखो इधर की एनर्जी -13.6, अभी एक तो ये लिखना बार बार बुरा लगता है, माइनस का 3.4, माइनस का 1.5, 0.85, बस इतना बहुत है. अगर यहां से यहां तक जाएंगे ये वैल्यूज ध्यान रहने चाहिए आपको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से यहां गए 12.1,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से यहां गए 12.75, मेरे ख्याल से हमारा काम बन चुका है। हमें चाहिए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन डी एक्साइटेशन में। इसका मतलब डी, ये तो एक्साइटेशन हुआ, तो इसका मतलब डी एक्साइटेशन कहां से कहां हुआ है, यहां से यहां, कौन सी शेल में, सेकंड से फर्स्ट में। तो हमें पता चल गया डेल्टा एन, सेकंड ही है ना, नहीं, तो एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू टू, एन इक्वल्स टू थ्री। तो डी एक्साइटेशन हुआ है थ्री से वन में, ठीक है ना। तो थ्री से वन में अगर डी एक्साइटेशन हुआ है तो डेल्टा एन का वैल्यू हो गया 3-1 यानी 2, ठीक है। तो यहां पर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं और डेल्टा एल का वैल्यू आ गया 2H/2π, 2 से 2 उड़ा दो, H का वैल्यू 6.6×10⁻³⁴ हो गया जूल सेकंड, और पाई तो अपना भाई है 3.1 के आसपास है। तो एक काम करते हैं, 3.1 है, अप्रोक्सीमेशन में चला लेते हैं काम, अगर ये 3.3 होता तो आंसर 2 आ जाता, तो 3.1 है तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ढूंढो कौन सा 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 10⁻³⁴ चढ़ रहा हो तो यही है। तो रिजल्ट आ गया हमारा 2.11×10⁻³ जूल सेकंड। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को अटैम्प्ट किया, बहुत ही आसान था, ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक चीज़ और बता दूँ और मज़े आ जाएंगे, आईआईटी में ये पूछा गया टॉर्क बना करके बताओ ये जो फोटोन बाहर निकला है कितनी टॉर्क लगाएगा। जितने लेक्चर वाले बच्चे हैं उनको ये टॉर्क मेरे बोलते ही धड़ाक से आनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि आपने लेक्चर में सीखा हुआ है कि डी एक्साइटेशन में टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क होती है, सबको बता दे रहा हूँ, टॉर्क होती है डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर। डेल्टा एल आपने देख लिया 2.11×10⁻³ जूल सेकंड, डेल्टा टी हो गया यहाँ से यहाँ तक लौटने का टाइम, और ये टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है, दिया नहीं होता, खुद से पता होता है, ठीक है ना। तो 10⁻⁸ सेकंड पुट किया, ये यहाँ से कटा, अब आप सॉल्व कर लो, आपके पास टॉर्क आ गई। तो मॉडिफाइड रिजल्ट मैंने आपको दे दिया आईटी के हिसाब से, और आपके हिसाब से मैंने डेल्टा एल बता दिया। दोनों चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड। देखो हर चीज है, चाहे छोटा सवाल है चाहे अच्छा सवाल है, हर वैरायटी मैंने यहाँ रखी है ताकि आप प्रॉपरली हर एक चीज कवर करके एग्जाम में जाओ, ये नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो देखो हाँ, अगर थ्योरी में मैंने कम दिया होगा तो वो चीज प्रॉब्लम में कवर हो गई होगी, ये तय है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम के अंदर हम सारी, क्योंकि हर चीज की मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं खुद ही बोर हो जाऊंगा वहां पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। तो क्रैश कोर्स में हम इतनी थ्योरी पढ़ाने बैठ गए तो फिर ही नींद आ जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। तो बेहतर यही है, इंटरेस्टिंग बनाओ, इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब प्रॉब्लम के साथ थ्योरी अटैच हो, तो ऐसे ही मजे आते हैं पढ़ने में। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम इज वी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.16×10⁶ Z/N। अब बात चल रही है सोडियम की, तो Z तो हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, कितना 11, और N की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो वेलोसिटी V दे रखी है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए V0 लिख लेता हूँ, 11/2 फर्स्ट इक्वेशन। अब वो कह रहा है फिफ्थ में बता दो भाई, बिल्कुल बता देते हैं, तो V'V0 एटम तो वही है डिवाइडेड बाय 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, रेशियो ले लो, तो V/V'=5/2, तो V' की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/5 ऑफ V, सिंपल। तो रिजल्ट आपके सामने है, फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट है, 2/5 V के हिसाब से राइट आंसर 4th हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, आ गया, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं उसको, ठीक है ना, ध्यान से देखना, जिनको नहीं पता वो सीख लो, और जो लेक्चर वाले बच्चे हैं भाई तुम उड़ाओ, ठीक है ना। तुम्हें ज्यादा देर वेट नहीं करना ये सब करने के लिए, क्योंकि तुम पूरा पढ़े लिखे हो, अच्छे तरीके से एक एक डिटेल सीख चुके हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 0, कहां लिए, ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी 0 लेता है। फॉर्मूले किसके हिसाब से बनाए हैं, फॉर्मूले बनाए हैं इन्फानाइट में 0 लेकर के, और कहानी कहाँ की चल रही है, ग्राउंड स्टेट में 0 की। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगी, टोटल एनर्जी चेंज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना और कोई देना होता नहीं रेफरेंस से, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहेगी, बात पते की है, अच्छी तरीके से समझ लेना, दिमाग में स्टोर कर लेना कि रेफरेंस चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, धीरे बोल रहा हूँ, अगर चाहिए तो लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल एनर्जी पर पड़ता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर पड़ता है, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर नहीं पड़ता, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी पर नहीं पड़ता। तो जितने चेंजेस हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, फर्क पड़ता है। अब आपको सर कैसे बातें वगैरह रहे हो, कैसे नहीं पड़ेगा, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये लेक्चर में ही देता हूँ। आपने इसे 0 पर रखा, ये 10 पर आया, तो आपने क्या बोला, इसका चेंज इन पोजीशन 10 सेंटीमीटर है। अब आप इसे 1 पे रखोगे तो ऑब्वियसली ये 11 पर आएगा,
तो पोजीशंस पर फर्क पड़ेगा बट चेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा ना इसे वन पे रखने पे पेन की लेंथ जो होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो वन पे रखने पर ये 11 पर आ जाएगा, यानी रेफरेंस चेंज करने से इनिशियल फाइनल के लोकेशन चेंज हो जाएंगे बट चेंज रिमेन्स सेम। आप समझ आ गया? तो इस तरीके से करते हुए आप इस प्रॉब्लम को अटैम्प्ट करेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। तो ये हमारी फर्स्ट बोर ऑर्बिट थी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 13.6 है एज इट इज छाप दी, ठीक है ना, जितनी थी उतनी है। पर ये कहता है यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो। तो अगर आपने यू जीरो ले लिया के 13.6 ही है तो यहाँ की जो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी उसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है देन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी बता दो, हमें यहाँ का यू टू बताना है, ठीक है, यू टू का वैल्यू निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इस ऑर्बिट की वही रहेगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब तक यू टू नहीं पता तब तक हम ई टू नहीं पता कर पाएंगे, इसलिए अभी इधर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब मुद्दा ये पता तो कैसे करें, ठीक है ना, कैसे पता करें, हमें ये पता है ये पता करना है। तो पता करने का तरीका है डेल्टा यू रिमेन सेम, ठीक है ना, तो डेल्टा यू सेम रहेगा। तो आप पहले का डेल्टा यू लिखो, पहले का मतलब जब हमने रेफरेंस कहां लिया हुआ था, इन्फिनिटी पे लिया हुआ था, ठीक है ना। तो मैं इधर अलग से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना, सवाल इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, ध्यान देना। तो पहले का ये हो गया इनिशियल रेफरेंस एट इन्फिनिटी, ठीक है, यहां की काइनेटिक एनर्जी लिखी 13.6, यहां की पोटेंशियल एनर्जी लिखी माइनस ट्वाइस ऑफ 13.6, ठीक है, यहां की यहां की टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, यहां की काइनेटिक एनर्जी लिखी कितनी 3.4, यहां की पोटेंशियल एनर्जी लिखी माइनस ट्वाइस ऑफ 3.4, ठीक है, यहां की मैकेनिकल एनर्जी लिखी कितनी माइनस 3.4। सही है, तो हमने पहले और बाद की सारी कहानी उठा करके छाप दी। ये हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये मान करके कि रेफरेंस इन्फिनिटी पर है। अब क्या निकालना है, हमें यू टू निकालना है। ये कोई जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे यू टू ही पूछे, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर उसने लेवल उठाना होगा तो वो कहेगा बेटा मेरे को तो ई टू बताओ। अब क्या करोगे आप, तो ई टू भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये थोड़ा ना कि जो मैंने बोल दिया वही पत्थर की लकीर हो गई वही पूछ ले, क्या पता ई टू पूछ ले, तो पत्थर की लकीर तो नहीं हुई पर छोड़ने तो मैं भी नहीं वाला, ठीक है ना। पूछेगा तो जवाब तो हम पूरा देके आएंगे, ठीक है ना, पूरा ठोक बजा करके। अब क्योंकि यू टू पूछा तो यू टू माइनस यू वन बाद का और यू टू माइनस यू वन पहले का इक्वेट कर दिया। बाद का यू टू डैश हमें निकालना है, U1 डैश की वैल्यू हमें पता है जीरो है, इसको डैश कर देता हूं, ठीक है, ओके। U2 का वैल्यू है माइनस टू इंटू 3.4, U1 का वैल्यू है माइनस टू इंटू 3.6, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये माइनस ये करेंगे ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ट्वाइस बाहर आया 10.4 अंदर बचा। तो U2 डैश का वैल्यू आप देख लें, ये हो गया 20.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें पता चल गया 20.8 ही हो गया, 10.2 था सॉरी, तो 20.4 हुआ। तो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ यू टू डैश। तो हमें हमारा राइट आंसर तो मिल गया, यू टू डैश का वैल्यू इज 20.4। अब आपको ई टू डैश निकालना, नाउ यू हैव टू चॉइसेस, ठीक है ना, टू चॉइसेस, या तो ई टू डैश माइनस ई वन डैश बराबर ई टू माइनस ई वन करके ई टू डैश निकाल के उसको दे दो, या फिर आप क्या करो के प्लस यू जोड़ करके ई टू डैश निकाल के दे दो, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। तो अभी तो बेहतर यही है, U2 डैश निकाला हुआ यहाँ पुट कर देते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 23.8। तो E2 डैश का वैल्यू हो जाएगा 23.8। अब जब आप ये डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस 23.8 माइनस 13.6 करोगे तो ये हमारा वापस से वही का वही आ जाएगा 10.2 जितना पहले हुआ करता था। ये है इसकी सुंदरता, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको रेफरेंस वाला सवाल डिटेल से मैंने बता दिया, समझ आ जाना चाहिए। चलते हैं आगे। ओके, ये तो अपना दोस्त है, ठीक है ना, बहुत बार मैंने कराया हुआ है तो फिर से करा रहा हूँ इसको, ये छोड़ के तो जाना ही नहीं है। ये कह रहा है फॉर अ सर्टेन एटम देयर आर एनर्जी लेवल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी वैल्यू ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी। तो ई ए सबसे छोटा है, फिर ई बी है, फिर ई सी है, यानी एनर्जी लेवल इस तरीके से बढ़ते हैं, जैसे जैसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। करना क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन सी टू बी। तो सी से बी में जाने पर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा वन की है, फिर बी टू ए जाने पर जो वेवलेंथ है वो हमारी लैम्डा टू है, एंड हमें क्या पता करना है सी टू ए जाने की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा थ्री है, तो इनका रिलेशन क्या है। देखो सबसे पहले
ए बी सी अरेंज कर लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सी से बी, सी से बी पहुंचाओ, यहां की वेवलेंथ लैम्डा वन है, फिर बी से ए पहुंचाओ, यहां की वेवलेंथ लैम्डा टू है, फिर आप सी से ए आ जाओ, इधर की वेवलेंथ लैम्डा थ्री है। अब देखो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो एनर्जी, ये टोटल एनर्जी इन पार्ट वाली एनर्जी के सम के, वेवलेंथ नहीं एनर्जी बराबर होगी, तो एनर्जी सी टू ए की बराबर होगी एनर्जी सी टू बी की प्लस एनर्जी बी टू ए की। अब एनर्जी को एसी बाय लैम्डा डाल दो, तो 1 बाय लैम्डा 3 इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 और आपका रिजल्ट आपके सामने। तो लैम्डा 3 इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। राइट आंसर देख लो, राइट आंसर इसका हमारा सेकंड वाला हो गया, तो मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा, और कोई इसमें डाउट नाम की चीज, तो डाउट नाम की चिड़िया भी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो चलते हैं आगे पढ़ो। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑल ऑफ विच आर इन ग्राउंड स्टेट, अ फोटोन बीम कंटेनिंग फोटोन ऑफ वेरियस एनर्जी इज पास्ड इन अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, 5 डार्क लाइंस आर ऑब्जर्व्ड। गौर करने वाली बात है ये कि और ये कि अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 5 डार्क लाइन मिली, मतलब 5 फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, तो जो एब्जॉर्ब होते हैं उनके लिए हम एबसेंट मार्क कर देते हैं, यानी डार्क लाइन बना देते हैं, ठीक है ना। 5 एब्जॉर्ब हुए, अब 5 डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन कब एब्जॉर्ब होंगे, तो पहले फॉर्मूला गया एब्जॉर्प्शन वाला, n माइनस 1 बराबर 5 डाला, n की वैल्यू 6 आ गई, यानी एटॉमिक एक्साइटेशन 6 शेल तक हुआ है। पता क्या करना है, द नंबर ऑफ ब्राइट लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम विल बी, तो ये फिर से वही टाइप का सवाल है बट एब्जॉर्प्शन एमिशन को मिक्स करके है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू हम जानते हैं, n का वैल्यू है 6, ठीक है, और एमिशन में निकालना है, तो फॉर्मूला बताइए, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया हमारा 15। तो 15 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स होंगे वो एमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेंगे, राइट आंसर आपका थर्ड हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट ये कह रहा है स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक। फर्स्ट लाइन कहां से कहां के लिए होती है, पहले एनर्जी लेवल बना लो, अगर डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट कंफ्यूजन है तो एक बार बना ही लो, क्या जा रहा है, ये हो गया 1, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये तो जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिस जितनी स्ट्रॉन्ग उतना जल्दी आंसर। तो क्या कह रहा है, अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ये हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, इसके करस्पॉन्डिंग फोटोन एमिट करता है, एम इज द मास ऑफ एटम, देन द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द एटम, रिक्वायर्ड वेलोसिटी एटम की निकालनी है, सीधे धड़ाम से कंसेप्ट लगाएंगे कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने के लिए एम वी बराबर मोमेंटम ऑफ फोटोन विच इज एच बाय लैम्डा। अब हमें चाहिए 1 बाय लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा हो गया आर, जेड की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई, एन 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, माइनस एन 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गई, ठीक है ना। तो रिजल्ट हमारे पास ये बना 3R/4, तो 1 बाय लैम्डा की जगह मैं इधर 3R/4 डाल दे रहा हूं, तो एम वी का वैल्यू हो गया 3HR/4, तो v का वैल्यू हो गया 3HR/4m इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ एटम, राइट आंसर आप ढूंढ लो इसके अंदर कौन सा है, तो राइट आंसर इसका हमारे पास आ रहा है फर्स्ट वाला। चलते हैं आगे, ओके अब हम आते हैं न्यूक्लियाई की थ्योरी पर, ठीक है ना। तो एटम की थ्योरी के बाद अभी प्रॉब्लम नहीं खत्म होंगे, वो प्रीवियस ईयर बहुत सारे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उनको उठा के यहाँ लगाता है, बेहतर है एक जगह लगा दिया, थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, प्रॉब्लम कर ली, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, अब वहां जा करके इसका रिप्लीकेशन देखेंगे कि हमने क्या सीखा और हम कैसा लगा पा रहे हैं, ठीक है ना, तब मजे आएंगे। एक जगह ही रख दूं तो फिर वो फ्लो बना रहता है आपका, आप धड़ाधड़ कर जाओगे, तो अब आगे चल करके हम देखेंगे, लास्ट में चल करके देखेंगे कि आपका फ्लो कैसा बना है। तो चलते हैं न्यूक्लियाई की थ्योरी पर। न्यूक्लियाई की थ्योरी में हमारे पास दो पार्ट है, ठीक है ना। एक हो गया न्यूक्लियाई का फर्स्ट हाफ, जो आता है बाइंडिंग एनर्जी तक, ठीक, जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर रेडियस, वॉल्यूम, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी, इस तरीके के कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इन पर प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास आता है वो आता है क्यू वैल्यू का, ठीक है ना। क्यू वैल्यू के साथ आते हैं अल्फा बीटा गामा डीके, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, और फिर आ जाता है रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट। तो दोनों ही पार्ट न्यूक्लियाई के बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दो पार्ट में इसको ब्रेक करके करेंगे। पहले न्यूक्लियर रेडियस, तो न्यूक्लियर रेडियस मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। इस पे एक छोटा सा निमार्कल मैंने रखा, आगे आपको दिखाऊंगा। ये आर नॉट अपना कांस्टेंट होता है, 1.2 फेमटोमीटर्स का वैल्यू होता है। न्यूक्लियर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है, और न्यूक्लियर डेंसिटी चाहे आप हीलियम की लो चाहे यूरेनियम की लो, वो कांस्टेंट रहती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर ये भी याद रहना चाहिए, 10^17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये तीन रिजल्ट हमारे बेसिक रिजल्ट हो गए। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कभी भी किसी की भी निकालनी है तो पहले उसमें भी रखा है मैंने प्रॉब्लम, कैलकुलेटिव होता है प्रॉब्लम। स्मार्ट वर्क से हम कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, रिड्यूस करना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना, आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी किसी की भी निकालनी है, आप पहले उसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक करो। तो जैसे मेरे को जेड एक्स से न्यूक्लियाई की, शब्द एक एक ध्यान से सुनना, न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, मैंने इसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक किया, मास डिफेक्ट निकाला। अब ध्यान देना, न्यूक्लियस ऐसा तो टूटेगा नहीं, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस साइड एनर्जी दोगे उस साइड का मास कम होगा, ये चीज पहले भी बताई हुई है, वापस से बता रहा हूं। तो जहां एनर्जी होती है वहां साइड का मास हमेशा कम होता है, ठीक है ना। वो कम इसलिए होता है कि या तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होता है या कुछ मास के करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे इधर का मास कम है और इधर का मास ज्यादा है, तो आपको उस कम मास के करस्पॉन्डिंग यहां एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। प्रिंसिपल क्लियर? तो मास डिफेक्ट कई बार ये पूछ लेते हैं, बताओ भाई इन दोनों में से किसका मास ज्यादा किसका मास कम, तो ऑब्वियसली यहां का मास ज्यादा और यहां का मास कम होगा, और मास डिफेक्ट की वैल्यू हम इनके मासेस को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। राउंड ऑफ में यहां काम नहीं चलता, मास डिफेक्ट एक्यूरेट निकालना पड़ता है, उसके बाद कैलकुलेशन रिड्यूस करने की एक टिप दे दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बाइंडिंग एनर्जी निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इस बाइंडिंग एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं अपना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में। वो कन्वर्ट करने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई होता है, जो कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना, यही आपको जुगाड़ तंत्र दूंगा। नेक्स्ट, अब बाइंडिंग एनर्जी से क्या पता चलता है, तो कुछ पता नहीं चलता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से पता चलता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है उसका ग्राफ शुरू में जिगजैग, फिर ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना, आयरन तक, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होती है, 8.7 के आसपास होती है, ठीक है, वैल्यू भी ध्यान रखना, और फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है। अब ध्यान देना, मास नंबर 210 के बाद, तो 210 के बाद बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, इसलिए जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं ये फिजन रिएक्शन करते हैं और अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। तो फिजन जब भी होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने डॉट लगाया हुआ है यहां, ये एरो लगाया हुआ है यहां, ये दो पार्टिकल ब्रेक करके दिखाया हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी आप कोई रिएक्शन को करवाओगे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले होंगे एज कंपेरिजन टू रिएक्टेंट वाला। तो एरो हमेशा ऐसे होना चाहिए, यानी दोनों पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी इस सिंगल पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप फ्यूजन कराएंगे तो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के एक मिड रेंज न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो इस मिड रेंज न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी इनकी बाइंडिंग एनर्जी से पर न्यूक्लियॉन, इनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से ज्यादा होगी। तो कोई भी रिएक्शन तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब प्रोडक्ट वाली साइड की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिएक्टेंट वाली साइड वालों से ज्यादा हो। ये मेन इसका इंपॉर्टेंट है, इस पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, हर बार मैंने कराया है तो इस बार भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का हमारा छोटा सा ग्राफ, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास आता है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम। मैंने जैसा बोला, फर्स्ट हाफ हम बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर बेस्ड सारे प्रॉब्लम देखेंगे, फिर सेकंड हाफ में क्यू वैल्यू और आगे के प्रॉब्लम। तो देखो, एक न्यूक्लियस है जो कि स्प्लिट होता है टू न्यूक्लियर पार्ट में, हैविंग रेडियाई इन दिस रेशियो। तो ये रहा न्यूक्लियस, दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, ठीक है ना। इसके न्यूक्लियाई का रेडियस का रेशियो हमें दे रखा है, तो R1:R2 हमें दे रखा है, विच इज इक्वल्स टू 1:2। अब क्या करना है, देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो। तो जब ये स्प्लिट होगा तो एक पार्ट इधर गया तो एक पार्ट इधर गया। अब कैसे निकालोगे आप वेलोसिटी का रेशियो, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसका मास m2 ले लो, इसका मास m1 ले लो, तो m1v1 बराबर m2v2, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर मास को कैसे लिखोगे, न्यूक्लियर डेंसिटी इंटू न्यूक्लियर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 4/3πr³, ठीक है ना। मैं इसको मॉडिफाई भी करूंगा, इक्वल्स टू सिमिलरली m2 को हमने ब्रेक किया, रो इंटू 4/3πr³ × v2। यहां से ये चीज कैंसिल हुई, डेंसिटी न्यूक्लियस की सेम होती है, इसलिए चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो बात एक ही सी है। हमें किसका रेशियो निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो। तो R1 और R2 का रेशियो 1:2 दे रखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा V1/V2 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 8:1। तो दोनों की वेलोसिटी का स्प्लिट होने के बाद का रेशियो हमारा 8:1 आया। अब यहीं अगर वो मास नंबर का रेशियो पूछ लेता तो आप यूज करते रेडियस प्रोपोर्शनल टू a³ या a∝r³, आप वहां से निकाल लेते। तो मास नंबर का रेशियो होता हमारा, ठीक है ना, 1:8 के बराबर, रेडियस के क्यूब के बराबर। इस तरीके से आप मास नंबर को यहां रिलेट कर सकते हो, ये इसका मॉडिफाइड वर्जन हो गया। अब राइट आंसर इस हिसाब से देखें तो 8:1 के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, अब आगे देखो हम कैलकुलेटिव प्रॉब्लम पर। तसल्ली से,
संभाल के कैलकुलेशन करनी है, जहां जुगाड़ लग सकता है वहां लगाएंगे, जहां नहीं लग सकता वहां चुपचाप कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो हमें दे रखा है, और मैंने ये सवाल मैंने चेंज करके लिए, ये नहीं कि हर बार जो करा रहा हूं वही ले लिया उठा करके, नहीं, ये सवाल चेंज है ताकि कैलकुलेशन करो और जहां पर जुगाड़ तंत्र लगता है वहां लगाना सीखो। तो ये कह रहा है स्ट्रॉन्शियम है 50 स्ट्रॉन्शियम 120, इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑब्वियसली, ठीक है ना, और उसकी हमें कैलकुलेट करनी है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टिपिकल मिडिल मास न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी यानी इसको न्यूक्लियस को ब्रेक करने की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कैसे करें? सबसे पहले आप इतना तो करना पड़ेगा, 20 स्ट्रॉन्शियम 120 को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन? 20 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन? 50 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन? 120 माइनस 50 यानी 70 न्यूट्रॉन। अब आपको इनका मास डिफेक्ट निकालना है, तो पहले इनके मासेस में से इसका मास हम करेंगे, तो इनके मासेस पहले लिख लेते हैं एक एक एग्जैक्ट फिगर के साथ। तो मास ऑफ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखो, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आपको। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 50 टाइम्स मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन विच इज 1.007825। यहां कैलकुलेशन संभाल के करना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 25, मैं एक ये डेसिमल इधर सरका दूंगा 50 का, ठीक है ना, 5 5 जो 25 2 5 2 जो 10 10 11 12, और इधर आ गया 40 41 35 और 39, इधर आ गया 3, इधर आ गया 0 और इधर आ गया 5। तो 50.39125 amu, ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें हमें टाइम लगाना पड़ता है। अब सिमिलरली टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख लेते हैं, तो न्यूट्रॉन का टोटल मास लिखेंगे तो दैट विल बी 70 × मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन विच इज 1.008665। सिंप्लीफाई करते हैं, एक डेसिमल इधर सरका देंगे, ठीक है ना, और 75 जो 35 42 और 3 हो गया 45 4 42 और 4, ये हो गया 46, इधर 4 आ गया 56 और 0, इधर 6 आ गया, इधर 0 आ गया, 70.60655 amu। बस अब क्या करेंगे, टोटल मास लिख लेते हैं, किसका? न्यूक्लियॉन का। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन, तो ये हो गया इन दोनों का सम, डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना, ये चेक कर लो डेसिमल प्लेसेस इसमें और इसमें सेम है या नहीं, नहीं तो पता चले जोड़ने में गड़बड़ कर दी, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 5 10 5 2 7 और 1 8, और इधर आ गया हमारे पास 6 और 1 7, और इधर आ गया 0 और 9 विच विल बी 9, 6 और 3 9, 0 और 7 और 5 12, तो 120.9980। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन, इतना टाइम इसमें लगता है, ठीक है ना। तो जब भी आप बाइंडिंग एनर्जी वाला, मास डिफेक्ट वाला प्रॉब्लम कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास एग्जाम में, अगर मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इंपॉर्टेंट टिप है, मान लो आपने फिजिक्स का पेपर शुरू किया, आपको दूसरे नंबर पर यह क्वेश्चन मिल गया, वहां उस वक्त मत जुट जाना, ठीक है ना, उसको सर्कल बना देना, क्योंकि शुरू शुरू में हमारी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उसको तुरंत अटैम्प्ट करें। हम जब सिंपल प्रॉब्लम कर लेंगे उससे पहले हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, और आप तो बायो के स्टूडेंट हो, एक बार कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, अंदर से न्यूरॉन्स आपके वर्क करना शुरू कर देंगे, फिर आप बाइंडिंग एनर्जी वाले पे जाना, कैलकुलेशन भी अच्छी तरीके से होगी और आंसर भी जल्दी आएगा, तो फर्स्ट राउंड में नहीं अटैम्प्ट करना। चलते आगे, तो 120.99780, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन। अब हमें इसमें से माइनस करना है मास ऑफ न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई का मास हम इसमें से माइनस कर दें, तो न्यूक्लियाई इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं, 120.99780 amu। अब हम मास ऑफ न्यूक्लियाई इसमें से माइनस करने जा रहे हैं, बिल्कुल तमीज से, न्यूक्लियाई का मास है 1190.902199, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक डेसिमल प्लेस ज्यादा है, मैंने इधर जीरो लगाया, अब सब्ट्रैक्ट मार देते हैं, 10 में से 9 गया 1, ये जीरो हो गया, 8 में से 1 गया 7 7 में से 2 गया 5, 90.1, तो 1. ठीक है ना, 1.095701 amu
एक एक डेसिमल प्लेस तक की कैलकुलेशन चाहिए। इसमें स्टूडेंट छटपटा के रह जाता है, टीचर भी रह जाता है, कैलकुलेटर यूज़ कर ले तो आसान हो जाता है पर करना तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो इतना तो मैंने भी वैसे ही किया जैसे मेरे को भी एग्जाम में करना होता। अब जुगाड़ तंत्र, ठीक है ना, देखो सुनो, अब सबसे बड़ी आफत आती है और वो है ये आफत कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो इसे 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करना। इसमें आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना, कि इतनी कैलकुलेशन करके लाए अब ये 931 भी जान खाएगा, ठीक है ना। तो यहीं बच सकते हो। देखो हमें आंसर का आइडिया लगाना, आंसर का आइडिया कैसे लगाएंगे, 1000 से तो कम होगा, 900 से ज़्यादा होगा, किस्मत अगर अच्छी चल गई तो दोनों के बीच का आंसर टकरा जाएगा, टिक मार देना। जैसे अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो 1095, ठीक है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 1095.7 अपना जो MeV है उससे तो कम होगा। तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं 1095 से कम आंसर होगा। अब 1095 से कम आंसर तो ये ज़्यादा आंसर है, रिजेक्ट मारो, ठीक है ना। ये तीन हमारे कम आंसर है, अब तीन मिल गए। अब 900 से सोच लो, अगर मैं इसे 900 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 109, मोटा मोटी 110 ले लेते हैं इसको, 110 इंटू अगर मैं 9 करूं तो 990 आएगा, यानी 990 से ज़्यादा आंसर होगा। तो चेक करो, 990 से ज़्यादा ये नहीं है, 990 से ज़्यादा ये नहीं है, तो एक ही आंसर हमारा सही फिट बैठ रहा है, दैट इज़ 1021 MeV। तो यहाँ आप अपने आंसू बचा सकते हो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, 1000 और 900 से मल्टीप्लाई करके उनके बीच का आंसर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है ना उसमें 1000 और 900 से, तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। किस्मत अगर बहुत बुरी चल रही होती, 990 से ये बड़ा मिल जाता तो फिर भाई यार फिर पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। ऐसे सवाल को करने से बढ़िया लास्ट मोमेंट पर कर लेना, अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं बची, खाली बैठे हो एग्जाम में तो उस टाइम पत्ते तो खेलने नहीं है, फिर यही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। बट काम चल जाता है, 99% काम चल जाता है, इसलिए फॉर श्योर आप यही तरीका इस्तेमाल करो 900 से 1000 वाला, ठीक है। चलते आगे, नेक्स्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालने का एक जुगाड़ तो आपने वो देख लिया जिसमें हमने मास डिफेक्ट यूज कर लिया। दूसरा देखो, ये एक कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है, हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, हालांकि ये अपना क्यू वैल्यू का सवाल है बट मैंने फिर भी यहीं रख दिया, समझ जाओगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है। तो देखो, किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ एनर्जी निकल रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ का मास कम होगा और यहाँ का मास ज़्यादा होगा। मास डिफेक्ट से चलना होता तो हम इधर के मास में से इधर का मास माइनस करके फिर वही जुगाड़ तंत्र लगा लेते, बट इसने इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, हमें इसमें एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब निकालनी है। तो मेथड ये रहेगा, आप इनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिख लो। तो x 200 की टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं लिखूं तो 200 से 7.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 740 इंटू 2 हो गया 0814, तो 1480 MeV ये हो गई इसकी बाइंडिंग एनर्जी। अब हम A और B की बाइंडिंग एनर्जी लिख लेते हैं। A 110, तो आपको 8.2 को 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ 22, 11, 8, 88, 88, 89, 90, 902, तो 902 MeV आ गया। अब आपको B जो कि हमें दे रखा है 90, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखनी पड़ेगी, तो 8.2 को आपको 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 82 into 9, 9 2 18 और 72 2 73, 738 MeV। तो आपने सबकी बाइंडिंग एनर्जी लिख ली। अब किसी भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ की एनर्जी इसकी एनर्जी से ज़्यादा होगी, यही तो रिएक्शन तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, चेक करके देख लेना, ठीक है ना। 9, 7, 16, तो तकरीबन ये 1600 के आसपास तो बनी रहा है, तो इधर से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 1600 तो बनी रहा है, इधर 1480 के आसपास हमारे पास रिजल्ट है, यानी 200 समथिंग के आसपास हमारी एनर्जी आ रही है, हमने राउंड फिगर में देखा है, ठीक है ना। तो अब हम निकाले कैसे, तो करना क्या है, हमें ये टोटल एनर्जी में से ये एनर्जी माइनस करनी है, सम अप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये इन दोनों का सम हो गया 8, 2, 10 और 3 और 1, 4 और 9, 7, 16, 1640 MeV। अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इसमें से माइनस कर देते हैं, विच इज़ 1480, तो
तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 0, 14 में से 8 गया 6, और इधर बचा हमारे पास 5, 5 में से 4 गया 1. तो 160 MeV इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, तो ऑब्वियसली इवॉल्व होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ की एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी इवॉल्व का वैल्यू रहा. राइट आंसर हो गया सेकंड वाला. इसी एनर्जी इवॉल्व को हम क्यू वैल्यू भी बोलते हैं, आगे चल के और बता दूंगा. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. हाँ, बाइंडिंग एनर्जी कर्व आ जाता है. ये वो सवाल है जो हर बार में करा रहा हूँ, फिर से करा रहा हूँ आपको, ताकि आपसे छूटे नहीं. तो हमें एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व दे रखा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके सामने है, और इनके मास नंबर भी हमें दे रखे हैं. करना क्या है, ये कह रहा है कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी. तो अभी ये मैंने सवाल जो पिछला वाला रखा था वो जानबूझ के रखा था, ताकि आपको इस ग्राफिकल प्रॉब्लम का आइडिया दे सकूं. तो एनर्जी रिलीज पूछ रहा है ना, तो एनर्जी तब रिलीज होगी ना जब यहाँ की एनर्जी इसकी एनर्जी से ज्यादा हो, तभी तो रिलीज होगी, और वो रिलीज वैल्यू ये रही. तो प्रोडक्ट साइड की बाइंडिंग एनर्जी जब रिएक्टेंट साइड की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होगी. आप चेक कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया वाई गिविंग टू जेड, तो वाई ये रहा, टू जेड ये रहा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से कम है तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी. नेक्स्ट डब्ल्यू गिविंग एक्स प्लस जेड, डब्ल्यू ये रहा, एक्स ये रहा, जेड ये रहा, जेड की कम है इसलिए इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी. W गिविंग 2y, तो W ये रहा, 2y ये रहा, यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी. इसको देख लेते हैं. X गिविंग y प्लस z, तो X तो ये रहा, y की तो ज्यादा है पर z की कम है, z की वजह से इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी. तो राइट आंसर हो गया W गिविंग 2y, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी. तो मेरे ख्याल से ग्राफिकल, न्यूमेरिकल, कैलकुलेटिव, हर तरीके की वैरायटी हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में कवर कर ली. चलते हैं आगे. अब हमारे पास आ जाता है Q वैल्यू, अल्फा बीटा डीके, ठीक है ना, इनके प्रॉब्लम्स. तो देखो हमारे पास ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी है तो मैंने बताई दिया अभी, इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू. न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर 5 कंजर्वेशन लॉ लगते हैं, ठीक है ना. पहला कंजर्वेशन लॉ होता है चार्ज कंजर्वेशन. तो चार्ज कंजर्वेशन जब आप लगाते हो, ठीक है ना, तो लेफ्ट और राइट साइड के चार्जेस को हम बैलेंस करते हैं तो इक्वेशन बनती है जेड वन प्लस जेड टू बराबर जेड थ्री प्लस जेड फोर. ये हेल्प करती है हमें न्यूक्लियर रिएक्शन की बैलेंसिंग के अंदर, या आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा न्यूक्लियर पार्टिकल निकला हुआ है, ठीक है ना, इससे हम पता कर लेते हैं. नेक्स्ट मास नंबर कंजर्वेशन, मास नहीं मास नंबर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना मास नंबर कंजर्वेशन. तो मास नंबर कंजर्वेशन करते हैं तो हमें मिलता है ए वन प्लस ए टू बराबर ए थ्री प्लस ए फोर, ये भी हमें बैलेंसिंग में हेल्प करता है. थर्ड एनर्जी कंजर्वेशन, अब एनर्जी तो कंजर्व कहीं पर भी रहती है, ठीक है ना. फोर्थ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर लीनियर मोमेंटम जो होता है वो भी कंजर्व होता है. इस पे एक कंसेप्चुअल बताऊंगा पेयर प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना, पेयर प्रोडक्शन का सवाल है मेरे पास, उसके अंदर जबरदस्त कंसेप्चुअल है वो आगे दूंगा. पांचवा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एएमसी, तो ये पांच चीजें जो होती हैं वो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर होल्ड करती हैं. क्यू वैल्यू को निकालने के कई तरीके होते हैं. पहला तरीका वो जो अभी आप देख करके आए हो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. दूसरा तरीका मास डिफेक्ट मेथड, कि इनके मासेस दे रखे होते तो फट से हम मास डिफेक्ट निकालते. अब यहाँ एनर्जी निकल रही है ना, तो यहाँ का मास ज्यादा होगा, यहाँ का मास कम होगा, मास डिफेक्ट निकालते. इससे तो नहीं करते, ठीक है ना, 100 और 1000 और 900 से चेक कर लेते कौन सा आंसर आ रहा है. तीसरा काइनेटिक एनर्जी मेथड, तो बाइंडिंग एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये भी कर सकते हो आप, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो ये तीन मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से आप बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट, सॉरी इन तीन मेथड की हेल्प से आप क्यू वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है अल्फा डीके, बेहद आसान. अल्फा डीके अभी जस्ट मैंने बताया बाइंडिंग एनर्जी में तब अकर करता है जब मास नंबर 210 से ज्यादा हो. तो ऐसे में ये जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होता है ये एमिट करता है अल्फा पार्टिकल और ये बनता है डॉटर न्यूक्लियाई. इस डीके के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर रहता है, तो इसका मोमेंटम बराबर होता है. यहाँ पूछी जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो सबसे पहले इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू मोस्टली गिवन होती है, और नहीं गिवन है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या मास डिफेक्ट मेथड से हम निकाल लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना. तो हमने क्यू वैल्यू ऑब्टेन कर ली. क्यू वैल्यू निकलने के बाद अब हमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है. तो ये निकालने के लिए आप डायरेक्ट तरीका यूज कर लो. देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय टू एम, मोमेंटम दोनों का सेम है तो हम यहां से कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. इसलिए जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. इस पर डायरेक्ट भी एक बार कंसेप्चुअल सवाल आया हुआ है, आगे दिख जाएगा आपको. तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास कम है, और डॉटर न्यूक्लियाई की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, और इनवर्स मास रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हो.
तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त ऊपर मास आ जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई का, ए माइनस फोर बाय टोटल मास इंटू क्यू वैल्यू, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर आप वाई की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हो तो अब आ जाएगा अल्फा का मास डिवाइडेड बाय टोटल इंटू क्यू वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये काइनेटिक इसका न्यूमेरिकल मैंने रखा हुआ है, वो आप देख लेना आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बीटा माइनस और बीटा प्लस, ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना। बीटा माइनस और बीटा प्लस तब अकर करते हैं जब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का रेशियो गड़बड़ाता है। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं तो बीटा माइनस अकर करता है, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो बीटा प्लस अकर करता है। तो बीटा माइनस डिके में जो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इतनी चीज न्यूक्लियस में ही रह जाती है, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। जो चीज ज्यादा थी वो कन्वर्ट हो गई, जो चीज कम थी उसके अंदर बैलेंसिंग हो गई यहां से, ठीक है ना। और साथ में बाहर एमिट करता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों की बीम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए इसको बीटा माइनस डिके बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो न्यूक्लियर रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से एटॉमिक नंबर डॉटर न्यूक्लियाई का एक से बढ़ जाता है और मास नंबर सेम रहता है, एज इट इज रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा प्लस तब अकर करता है जब प्रोटॉन एक्सेस में हो, इसमें न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन निकलता है और साथ में यहां पर न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है ना। अब अगर रिएक्शन वाइज देखा जाए तो एटॉमिक नंबर एक से कम हो जाता है, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बीम हमें बाहर की तरफ मिलती है। तो ये हो गया बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके का यूज हम कार्बन डेटिंग टेक्निक में करेंगे, जो आगे रेडियो एक्टिविटी में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट गामा डीके। गामा डीके हमेशा अल्फा और बीटा डीके के बाद अकर करता है, क्योंकि इसमें एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में आता है। कोई एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, कोई मास नंबर चेंज नहीं होता, बस एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में आता है और फोटोन एमिट करता है। इसी फोटोन को हम गामा रेडिएशन फोटोन बोलते हैं। फोटोन निकला है तो यहां पर रिकॉइल का सवाल बनेगा, वही मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो इसका मोमेंटम यानी मास ऑफ एक्स इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, और फोटोन के मोमेंटम को हम लिख सकते हैं आइदर ई बाई सी, ठीक है ना, या फिर एच बाई लैम्डा। अब ये लैम्डा आपको गिवन होगा गामा रेडिएशन फोटोन का, पुट कर लो और वहां से रिकॉइल वेलोसिटी निकाल लो, ये इसका एस्पेक्ट रहता है। नेक्स्ट, अब यहां पर आता है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन, ठीक है ना। इस पे मैंने आगे न्यूमेरिकल रखा है, और जो मैं आगे बोल रहा था, पीछे भी बोल रहा था आपको कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। तो देखो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक गामा रेडिएशन फोटोन, ठीक है ना, जब एब्जॉर्ब होता है हैवी न्यूक्लियस की वजह से, तो इसको हम हैवी न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं और ये हैवी न्यूक्लियस इसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एमिट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब इसमें जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वो मिनिमम एनर्जी मतलब बस गामा रेडिएशन आया और इसने एब्जॉर्ब करा, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज एनर्जी, हम मास डिफेक्ट मेथड से निकाल लेंगे, तो इसकी मास एनर्जी वाली एनर्जी, इसकी मास एनर्जी वाली एनर्जी और इसकी हम जीरो लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जस्ट मिनिमम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मास डिफेक्ट वाली एनर्जी का वैल्यू होता है 0.51 MeV, सिमिलरली इसका भी 0.51 MeV, दोनों को एडअप कर दें तो 1.02 MeV। तो इतनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम एनर्जी लेकर के जब ये गामा रेडिएशन फोटोन आएगा, ठीक है ना, तो इतनी मिनिमम एनर्जी लेकर के जब ये गामा रेडिएशन फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जस्ट एमिट होंगे और इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। शब्द ध्यान से सुनना, अगर इससे ज्यादा एनर्जी लेकर के ये आया तो इतनी तो रिएक्शन कराने में लग जाएगी, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आधी आधी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन फोटोन, ठीक है ना, माइनस मिनिमम एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पजिस्ड बाय ईच पार्टिकल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल के पास। टोटल जोड़ोगे तो डबल मार दो इसका उठा करके, वही टोटल हो गई। तो ये बनता है न्यूमेरिकल जो आगे मैंने रखा है। नेक्स्ट पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेशन में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हम कंबाइन कराते हैं और ये एमिट करते हैं दो गामा रेडिएशन फोटोन, ठीक है ना। दो गामा रेडिएशन मैं यहां लिख दूं, ये गामा रेडिएशन है, ये भी गामा रेडिएशन है, तो दो गामा रेडिएशन क्यों, एक क्यों नहीं निकला भाई यहां पे।
तो ये इसलिए कि यहां मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करता है। तो अगर आप मान लो इसको ऐसे ला रहे हो, इसको ऐसे ला रहे हो, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो अगर एक ही निकला तो फाइनल मोमेंटम जीरो कहां से होगा। तो इसलिए यहां कम से कम दो गामा रेडिएशन फोटोन निकलते हैं, ताकि ये इसका कंसेप्चुअल एस्पेक्ट रहता है। तो कभी पूछ ले व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ टू गामा रेडिएशन फोटोन, तो टू सेटिस्फाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर था ये। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन भी आ गया, एनिलेशन भी आ गया, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी का सवाल भी आ गया। अब हमारे पास वही रेडियो एक्टिविटी के सवाल, जो अपने दोस्त हैं आप आराम से सीख जाओगे। तो रेडियो एक्टिविटी में, तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ की एक्टिविटी जो होती है माइनस dN बाई dt इक्वल्स टू लैम्डा n से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेट करते हुए हम इक्वेशन निकालते हैं, तो n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने हैं तो ये हम जनरल इक्वेशन यूज करते हैं, n नॉट बाई 2 की पावर n। केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी सेम है। एन हो गया गिवन लाइफ बाय हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है ना। अच्छा, ये क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है तो इस तरीके से डिक्रे करेगी। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग लॉग इक्वेशन अगर हम बनाएं, लॉग एन वर्सेस टी का इक्वेशन बनाएं, तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके का आएगा, लीनियरली डिक्रीजिंग। ये भी पहले मैं बता चुका हूं आपको। कहां बताया सर? अरे सीआर सर्किट में भाई, ठीक है ना। सीआर सर्किट में चार्ज एक्सपोनेंशियली जब डिक्रे कर रहा था तो भी तो यही चीज बताई थी, ठीक है ना। तो सेम है, कहीं पर भी देख लो एक्सपोनेंशियली डिके का, सेम तरीके से आप आर्गुमेंट कर सकते हो। तो ये जनरली ये फॉर्मूला हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बचे हुए न्यूक्लियाई निकाल लेते हैं। अब आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। तो अगर आप ये पता करना चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, इस पे न्यूमेरिकल मैंने रखा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट हो गया। तो हम निकालना चाहते हैं डिके करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो हमने निकाला एन नॉट माइनस एन, यानी कितना डिके करेगा, मतलब कितना वहां जाकर के फॉर्म होगा। एन नॉट तो ओरिजिनल था, एन बचा हुआ था, तो जो फॉर्म हुआ होगा वो एन नॉट माइनस एन हो गया, डिवाइडेड बाय एन नॉट किया, तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, ठीक है ना। अब अगर आप टाइम निकालना चाहते हो, जैसा कार्बन डेटिंग वगैरह में होता है, तो टाइम निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड करते हुए चले आते हैं, और ये जनरल इक्वेशन हमारी टाइम की बनती है। इसको मैंने फिर से मॉडिफाई किया, और ये मॉडिफिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मॉडिफाई किया तो लैम्डा, जिसको डिके कांस्टेंट बोलते हैं, 0.693 बाय टी हाफ डाला। तो मैं जनरली ये इक्वेशन लगाना पसंद करता हूँ। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से टाइम वाला प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। वन पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बीच का टाइम निकालना हो, कहाँ सिखाया था बता सकते हो? आपको रेडियो एक्टिविटी तो सर पहली बार पढ़ा रहे हो, ये कहाँ सिखाया था? कुछ सुना सुना तो लग रहा है, यही तो दिक्कत है, ध्यान नहीं आता आपको टाइम पे। तो ये मैंने आपको कराया था जब मैं आपको साउंड लेवल वाला करा रहा था, तो बीटा वन से बीटा टू साउंड लेवल चेंज हुआ, तो चेंज इन साउंड लेवल का वहाँ भी तो ऐसा ही एक्सप्रेशन था, 10 लॉग आई बाय आई नॉट। तो सेम एज इट इज, टी वन लग रहा है एन वन, मतलब एन वन टी वन टाइम बाद एन वन बचा है, टी टू टाइम बाद एन टू बचा है, तो टी टू माइनस टी वन टाइम में कितना कंज्यूम हुआ होगा। तो वन पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का अगर हम सॉल्व करेंगे, तो टी हाफ डिवाइडेड बाय लॉग टू की बेस 10 टाइम्स लॉग ऑफ, अब यहां पर ये ध्यान रखना एन बचा हुआ न्यूक्लियाई है, लॉग ऑफ एन वन डिवाइडेड बाय एन टू की बेस 10। तो ये हो गया वन पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बीच का टाइम, इस पे भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये कुल मिला के रेडियो एक्टिविटी का, बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले उनका यूज करके हम प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम के सेक्शन पर। ये प्रॉब्लम ध्यान से सीख करके चलना। इसके अंदर आपका वो जो फिजन और फ्यूजन है, ठीक है ना, कि फिजन थ्योरी तो मैंने बताई थी, अब न्यूक्लियर रिएक्टर की थ्योरी मैं यहाँ बैठ करके पढ़ाऊँ वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप वो थ्योरी कहीं पर भी दे सकते हो, सिंपल सा है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी अवेलेबल है, लेक्चर्स में मैंने कराया हुआ है, तो आप थ्योरी प्लीज देख लेना। न्यूमेरिकल मैंने यहाँ रखा हुआ है पावर वाला, तो वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। देखो ये कह रहे हैं 92 यूरेनियम 238 का आइसोटोप है। अब ये क्या कर रहा है, डिके कर रहा है सक्सेसिवली एक के बाद एक। सबसे पहले थोरियम में जाता है 90 थोरियम 234, फिर ये जाता है पैलेडियम में 91 234, फिर ये जाता है यूरेनियम में 92 यूरेनियम 234, फिर ये जाता है थोरियम में। ये बहुत लंबी कहानी चल गई इसकी, 90 230, वैसे नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता। लास्ट में ये रेडॉन में जाता है 88 226, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि इसमें बताओ कौन कौन से पार्टिकल एमिट हुए होंगे। तो सुनो,
अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर जाता है, मास नंबर 4 से डिक्रीज कर जाता है। बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा प्लस में मास नंबर एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी और गामा में दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही प्रिंसिपल हम यूज करते हुए इसमें ढूंढ लेंगे कि कौन कहां एमिट हुआ, क्या हुआ। तो देखो यहां 92 था, यहां 90 आया, 238 आया, 234 आया, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, सही है। एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, मास नंबर 4 से। यहां चेक करो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा, मास नंबर में चेंज नहीं आया, तो बीटा माइनस हो गया। यहां चेक करो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आया, फिर बीटा निकला। 92 से 90 हो गया, 234 से 230 हो गया, अल्फा आ गया। 90 से 88 हो गया, ठीक है ना, 230 से 226 हो गया, फिर अल्फा आ गया। तो सीक्वेंस अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा, तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा, इस हिसाब से सीक्वेंस आप मैच करोगे तो राइट आंसर इसका थर्ड हो गया। ये बहुत छोटा प्रॉब्लम कहलाता है, पर मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने वो भी आपको कराया है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं न्यूक्लियस विद मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट एमिट अल्फा पार्टिकल, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज दिस। तो ये फिर से वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का न्यूमेरिकल है, हर बार कराता हूं इसलिए इसको इस बार भी नहीं छोड़ा जा रहा, ठीक है ना। देखो तो क्या हुआ, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जेड एक्स ए में अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है ना। फटाक से हमने अल्फा पार्टिकल की इक्वेशन लिखी, ट्वाइस एच ई फोर, और इधर डॉटर न्यूक्लियस जेड माइनस टू ए माइनस फोर। अब कहना क्या चाह रहा है, कहता है इस रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है वो इतनी है। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, तो हमें काइनेटिक एनर्जी अल्फा की निकालनी है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास रेशियो इनवर्स मास रेशियो में डिवाइड होती है। तो भाई इसका मास नंबर 220 था, ठीक है, तो ये कितना बचा, 216 बचा, और ये तो 4 दिख ही रहा है। तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त इसका मास ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नीचे आएगा, इनटू क्यू वैल्यू आ गया 5.5। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 5 20 4 5 20 4 5 20 4 16, तो 54 55.9 के आसपास होगा। 0.9 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसके अंदर तो ये आ जाएगा 9 5 45 9 5 45 और 4 49, यानी ये आ जाएगा 4.9 के आस 4.95 के आसपास, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा क्योंकि मैंने तो 0.9 लिया, तो 4.9 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब आंसर देखते हैं, तो 4.9 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इसमें दो आंसर मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अब देखो ये एनर्जी 5.5 से तो ज़्यादा हो नहीं सकती, ये तो तय है, ठीक है ना। तो 5.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये दो ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो गए। ये 5.5 से ज़्यादा है, ये 5.5 से ज़्यादा है, ये हो नहीं सकता, तो ले देंगे एक ही आंसर बचा 5.4। अब डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे चलती है गणित पूरी की पूरी कि हम पूरा चेक कर लेते हैं, फिल्टर और रिजेक्ट कर लेते हैं, मतलब मैं तो यही करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपकी डिवाइड करके पूरे एग्जैक्ट आंसर निकालने की आदत है वैसे चल लेना, इससे आंसर जल्दी आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है, गामा रे फोटोन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, यानी पेयर एनिहिलेशन का काम हो रहा है, ठीक है ना। द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.51 नहीं बोल रहा, 0.5। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिट्रॉन पेयर सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की दे रखी है इतनी, मतलब दोनों की मिला करके। देन द एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन फोटोन इज, तो गामा रेडिएशन फोटोन की एनर्जी बता दो। तो ये क्या हो रहा है, गामा रे फोटोन क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी एनिहिलेशन नहीं हो रहा, पेयर प्रोडक्शन हो रहा है। तो गामा रेडिएशन फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस पे टकराया होगा, तब उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एमिट किए होंगे विद दिस मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या निकालनी है, मिनिमम एनर्जी। तो कर देते हैं, कैसे लिखोगे, या तो रिएक्शन वाइज कर लो या डायरेक्ट कर लो। तो मिनिमम एनर्जी हमें पता है कि मिनिमम एनर्जी की वैल्यू होती है 0.5 के आसपास, 0.5 प्लस 0.5 यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, एग्जैक्ट होती है 1.02। यहां पर हमें मजबूरी में लेनी पड़ेगी 1, क्योंकि 0.51 दे रखी है हर किसी की एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन फोटोन टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज 1 MeV, ठीक है। अब हमें निकालनी है एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन फोटोन जब इतनी काइनेटिक एनर्जी निकले, तो वो हो जाएगा 1 MeV प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो 1 MeV प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम करोगे तो 0.78 हो जाएगा, फाइनल आंसर 1.78 MeV आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर इससे नहीं समझ आया और अगर आप सुपर पावर इस्तेमाल करना चाहते हो, वही रटने वाली, तो आप वो इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना, आपकी च्वाइस है। तो एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन माइनस मिनिमम एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो ट्वाइस के इधर करा, इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन माइनस मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना। 2 के हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0.78 हो गया,
तो ये और करके लिख दूँ, और एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन हमें निकालना है, मिनिमम एनर्जी 1 हो गई, तो ई गामा का वैल्यू 1.78 आ गया। जैसे करना है आप वैसे कर लो, पर कर जरूर लेना, छोड़ मत देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम करने वाला ही होता है। तो राइट आंसर तो हमें पता चल चुका है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहा है अब रेडियो एक्टिविटी क्या आ गया, 87 Ra 221 अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके विद हाफ लाइफ ऑफ 4 डेज। तो ये रेडियो एक्टिव डिके करता है, हाफ लाइफ हमें दे रखा है 4 डेज का। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट Ra न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट इन 8 डेज। तो 8 डेज बाद हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, 1 - 1/2 की पावर n, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। अब हम इसमें n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे गिवन टाइम बाय हाफ लाइफ। तो 1 - 1/2 की पावर, गिवन टाइम हो गया 8 डेज, हाफ लाइफ हो गया इसका 4 डेज, यानी 1 - 1/2 स्क्वायर विच इज 4, आंसर आ गया 3/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.75% में देखें तो 75% चांस है 8 दिन के बाद ये डिके करेगा, ठीक है ना, ऐसे करके सवाल करते हैं। तो राइट आंसर हो गया 4th। चलते हैं आगे, नेक्स्ट ये इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव डिके इनटू टू प्रोडक्ट्स। अब इसका भी मैंने यहाँ कंसेप्चुअल एग्जांपल रख लिया ताकि आप एग्जाम में छोड़ के ना हो, पढ़ो। अ रेडियोएक्टिव सैंपल कैन डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, दो अलग अलग प्रोसेस से डिके कर सकता है। तो जैसे ए है वो बी में भी जा सकता है, ए जो है वो सी में भी जा सकता है। इसका डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा 1 है, इसका डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा 2 है। हाफ लाइफ दे रखी है हमें इसकी T1, तो इसका हाफ लाइफ हमें दे रखा है ए से बी में डिसइंटीग्रेशन का T1, और इसका हाफ लाइफ हमें दे रखा है T2। ओके, करना क्या है, द इफेक्टिव हाफ लाइफ T ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल, ठीक है ना। तो ये एक साथ बी और सी में जाए तो उसका इफेक्टिव हाफ लाइफ कैसे निकाले, तो देखो अगर ये इसमें और इसमें साइमल्टेनियसली डिके करता है तो लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है λ1 + λ2। ये सिंपल सा एस्पेक्ट होता है। अब लैम्डा को आप 0.693 बाई टी हाफ से रिप्लेस कर सकते हो, 0.693 कट जाएगा, तो 1 बाई टी इक्विवेलेंट 1 बाई टी1 + 1 बाई टी2 आ जाएगा, सिंपल रिजल्ट। तो टी इक्विवेलेंट का वैल्यू मेरे पास आ गया T1 T2 बाई T1 + T2। तो आपसे एग्जाम में इसमें कंसेप्चुअल, ये तो मैंने कंसेप्चुअल आपको कराया, और T1 T2 की वैल्यू दे दूँ तो ये न्यूमेरिकल बन जाएगा, वो भी पूछ सकता है। तो दोनों ही तरीके हमारे एग्जाम में पॉसिबल है, कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल राइट आंसर हमें पता है, सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये कह रहा है, अब ये इससे तो आपको चमक चमक के पता चल गया होगा, वन पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। AIEEE 2011 में आया था, फिर ये रिपीट आपके में 2012 में हो चुका है, तो ये आ चुका है, ठीक है ना, टेंशन मत लो। तो रखा है मैंने पर AIEEE के नाम से, पढ़ो। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, तो टी हाफ दे रखा है हमें 20 मिनट। अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल T2 - T1 बिटवीन द टाइम T2 वेन 2/3 ऑफ इट्स हैज डिकेड। तो हमें ध्यान रखना हमें बचा हुआ चाहिए, 2/3 खत्म हो चुका है, तो बचा कितना, 1/3। ओके, एंड टाइम T1 एंड 1/3 ऑफ इट हैज बीन डिकेड। तो T1 पर 1/3 डिके हो गया, यानी 2/3 बचा। तो T1 पर 2/3 बचा, T2 पर 1/3 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, T1 पर 2/3 बचा, तो N1 की वैल्यू हो गई 2/3 n0, और T2 पर कितना बचा, 1/3 बचा, तो N2 की वैल्यू हो गई 1/3 n0। बस गेम खत्म। तो T2 - T1 मेरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, T½ log2 base 10 log(n1/n2) n1/n2 यहां base 10, टी हाफ को हम बाद में पुट करेंगे, log 2 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, n1/n2 के वैल्यू डाल दो। तो पुट करते ही यहां पर ये भी बन जाएगा log(2)(base 10), ये अपना निकल लेंगे, आंसर टी हाफ के बराबर। टी हाफ की वैल्यू कितनी थी, 20 मिनट, यानी वन पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का टाइम 20 मिनट है, खेल आसानी से खत्म हो गया। तो रेडियो एक्टिविटी कभी मुश्किल नहीं लगता, ठीक है ना, होता भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, मैं इतनी स्पीड में कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। कोई कहेंगे सर बड़ी तेज पढ़ा रहे हो, अरे मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपकी भी तो कर ही रहा हूँ, ठीक है ना, आपको भी इसी स्पीड से एग्जाम में चलना है। ये नहीं कि वहाँ लगे बड़े हैं, एक सवाल करने में 5-5 मिनट लगा रहे हैं, हो गया कल्याण फिर तो स्पीड अपनी सही रहनी चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है मिक्सचर के सवाल बड़े आते हैं भाई आपके में, ठीक है ना, ये मैंने मिक्सचर वाला प्रॉब्लम रखा है, छोड़ा एक भी नहीं है, देखते जाओ। A mixture consists of two radioactive material A1 and A2 with half life this one and this. तो A1 है और A2 है। A1 की half life आपको दे रखी है, कितना दे रखा है, 20 second. और इसका half life आपको दे रखा है A2 का 10 second. Initially the mixture has 40 gram of A1 and 160 gram of A2. तो initial mass हमें A1 का दे रखा है 40 gram और M2 का mass दे रखा है 160 gram. अब करना क्या है वो देखो।
एक्टिव अमाउंट ऑफ टू इन द मिक्सर विल बिकम इक्वल आफ्टर, तो कितने समय बाद इनके एक्टिव अमाउंट यानी मासेस इक्वल हो जाएंगे। तो यानी हमें मास ले लो या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ले लो, बात एक ही है। तो हमें पता करना है m, इसको मैं m नॉट वन लिख रहा हूं, मतलब ओरिजिनल मास, तो m नॉट वन, और इसको मैं m नॉट टू लिख ले रहा हूं। तो जनरल टाइम पर m1 और m2 आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसा किस टाइम पर होगा हमें यह पता करके देना। तो m का फॉर्मूला लिख लेते हैं, m नॉट बाय 2 की पावर n, और क्या करना है, तो इसी तरीके से चलाते हैं। तो m नॉट 1 बाय 2 की पावर n1, ये हो गया मिक्सर का सवाल खत्म। m नॉट 2 बाय 2 की पावर n2, ठीक है ना। m नॉट 1 की वैल्यू डालो, m नॉट 2 की वैल्यू डालो, ये 40 है, ये 160 है, उठा के डायरेक्ट ही काट दो। तो 2 की पावर n2 बाय 2 की पावर n1 बराबर 40 और 160 कटेगा तो ये आ जाएगा 4। इसको ऊपर को डाले जाऊं तो 2 की पावर n2 माइनस n1 2 की पावर 2 हो गया। कंपेयर कर लो तो n2 माइनस n1 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। अब n2 क्या चीज होती है यार, गिवन टाइम बाय हाफ लाइफ टाइम। तो गिवन टाइम t ले लो, हाफ लाइफ 2 का ये रहा 10 सेकंड। गिवन टाइम t है, हाफ लाइफ इसका 20 इक्वल्स टू 2, सबट्रैक्ट मार लो, t बाय 20 बचा इक्वल्स टू 2, तो t का वैल्यू आ गया 40 सेकंड। तो आफ्टर टाइम 40 सेकंड इनके एक्टिव मासेस बराबर हो जाएंगे। अब आंसर ढूंढो, टिक करो, चार नंबर लो। तो मेरे ख्याल से आराम से समझ गए होगे, कहीं कोई दिक्कत वाली चीज होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो। अ पीस ऑफ वुड, यानी ये बात चल रही है किसकी, कार्बन डेटिंग की। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक में क्या होता है, कार्बन के पहले टेक्निक, मैंने कहा ना थ्योरी पढ़ाने में मेरे को बड़ा मजा आता है, न्यूमेरिकल के साथ में इंटरेस्ट बना रहता है। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक में क्या होता है कि जब ये प्लांट जिंदा होता है, ठीक है ना, लिविंग प्लांट, तो इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। क्यों, क्योंकि कार्बन 14 डिके भी करता रहता है और साथ साथ में फोटोसिंथेसिस से आता भी रहता है। तो लिविंग प्लांट के अंदर इसकी एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है। जब ये प्लांट खत्म हो जाता है तो कार्बन 14 आना बंद हो जाता है बट जाना चालू रहता है, यानी धीरे धीरे समय के साथ डिके करता है। तो 7C14 6C14 ये डिके करता है और इसका डिके होता है बीटा माइनस, ठीक है ना। तो बीटा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों बाहर निकला, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया, मास नंबर एज इट इज रहा, यानी 7N14 में डिके करता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, कोई भी फॉसिल जो उठाते हैं उस फॉसिल से हमें बचे हुए कार्बन 14 की एक्टिविटी मिल जाती है। ये जो लिविंग प्लांट है इससे हमें ओरिजिनल एक्टिविटी मिल जाती है, शुरू शुरू में कितना था, और बाकी ये फॉर्मूला चला के टी हाफ बाय लॉग 2 की बेस 10 लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला चला के हमें इसका पता चल जाता है कि ये फॉसिल कितने टाइम पुराना है, ठीक है ना। ए नॉट हमें कहां से मिलेगा, ए नॉट हमें मिलेगा लिविंग प्लांट से, ए हमें कहां से मिलेगा, वो हमें फॉसिल से मिलेगा, बस इतना सा गेम होता है। अब देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। अ पीस ऑफ वुड कलेक्टेड फ्रॉम क्रो मैग्नन केव गिव 4 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो ये फॉसिल की एक्टिविटी है, यानी कि ए की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू आपके पास 4 dpm है, वैसे तो dps होता है यूनिट, पर अभी इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दें, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। आगे अब फ्रेशली कट वुड ऑफ द सेम वेट गिव्स 16 dpm, तो ये हो गई फ्रेशली कट वुड, यानी यहां से मिली हुई एक्टिविटी यानी ओरिजिनल एक्टिविटी। तो ए नॉट का वैल्यू हमारे पास है 16 dpm। अब मुद्दा क्या है, ये कह रहा है कि हाफ लाइफ है 5670, तो बता दो इसका जो है कितना टाइम हुआ है, समय कितना लगा है, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। तो सबसे पहले हमने चलाया फॉर्मूला टी हाफ को हम बाद में निपट लेंगे, बाय लॉग 2 का बेस 10 लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, ये बन गया लॉग 4। अब लॉग 4 को लॉग 2 का स्क्वायर लिख लो, तो लॉग 2 तो निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी हाफ, इतना सिंपल। तो ट्वाइस ऑफ 57 क्या आ गया 60 ईयर, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे 11520 आ जाएगा, इतना इस सैंपल को टाइम हो चुका है। तो राइट आंसर आपके सामने है, और वो राइट आंसर है थर्ड वाला। थ्योरी भी आ गई, न्यूमेरिकल भी देख लिया, मजे भी आ गए, ठीक है ना, ऐसे करके पढ़ना होता है रिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट देखो यूरेनियम, यूरेनियम की थ्योरी भी यही बताऊंगा, ठीक है ना। तो एज ऑफ रॉक कैसे निकालते हैं, तो एज ऑफ रॉक निकालने का जो बेसिक साइंस होता है वो ये मान करके चलते हैं कि कोई भी रॉक जब शुरू शुरू में बनी होगी तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा, यानी यूरेनियम होगा, और वो धीरे 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 स्टेबल आइसोटोप लेड में डिके होगा। तो यूरेनियम लेड के अंदर जाएगा, बस इतना सा साइंस लेते हुए चलते हैं। अब आपने कोई रॉक का सैंपल उठाया, आपने क्या किसी साइंटिस्ट ने उठाया, आप क्यों पत्थर को उठाना शुरू कर दोगे। तो आपने, चलो मैं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट ने रॉक का सैंपल उठाया, तो उस रॉक के सैंपल से उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा लेड,
और उसको मिलेगा यूरेनियम, बचा हुआ यूरेनियम और फॉर्म हुआ लेड, ठीक है ना। तो मान लो ये एन वन है और मान लो ये एन टू है, ये फॉर्म हुआ, ये बचा हुआ, तो ओरिजिनल कितना था भाई, ओरिजिनल हो गया एन वन प्लस एन टू। अब आपको यूरेनियम का हाफ लाइफ दे रखा है, ठीक है ना, आपने फट से अपना वही फॉर्मूला चलाया, या तो टी वाला चला लो या एन नॉट बाय टू की बार एन वाला चला लो, जो मर्जी है वो चला लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो टी हाफ बाय लॉग टू की बेस टेन लॉग ऑफ, ठीक है ना, एन नॉट बाय एन, यहां से हम सवाल को खत्म कर सकते हैं, ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल रहता है। या आप ये भी लगा सकते हैं एन नॉट बाय टू की पावर एन, अगर ये कैपिटल एन इन द मल्टीपल ऑफ टू दे रखा हो, जैसे आपकी इच्छा करे, ठीक है ना। आप जैसे इस सवाल को देखते हैं, ये कह रहा है नंबर ऑफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई इन अ रॉक सैंपल इक्वल्स टू नंबर ऑफ 206 एटम, यानी ये दोनों नंबर बराबर दे रखे हैं। एक बार लिख लेता हूं रिएक्शन, तो एन ये भी एन, तो एन नॉट ये वैल्यू भाई हो गई 2n, काम बन गया अपना। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज इतना एज ऑफ द रॉक, अब देखो ये 2 के मल्टीपल में चल रहा है, लगा लो फॉर्मूला एन नॉट बाय 2 की पावर n, तो n n नॉट की जगह अपने पास आ गया 2n बाय 2 की पावर n, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 हो गया, यानी n की वैल्यू होगी 1, यानी गिवन टाइम और कुछ नहीं हाफ लाइफ के ही बराबर हो गया, राइट आंसर हमारे पास आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर। कितना आसान, कई बार और क्या करता है इस तरीके से दे देता है, कहता है इसका रेशियो 1:3 है, ठीक है ना, 1:3 मतलब यूरेनियम अगर एन बचा है तो ये 3n बना है, तो टोटल हो गया 4n, वही 4 के मल्टीपल 2 के मल्टीपल में लाना है, उसने ये जुगाड़ तंत्र लगाना है। आपके में और रेशियो दे देता है 1:7, आपने फट से n 7n 8n लिख लिया, फिर यही फॉर्मूला चला दिया या ये वाला चला दिया, दोनों से आंसर सेम ही तरीके से आएगा, कहीं लेंदी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अब तो कर लोगे, अब तो ये नहीं कह सकते थ्योरी नहीं हुई, सब हो गया। चलते हैं आगे, ये देखो ये पुराने जमाने का आईआईटी का प्रॉब्लम है, हर बार कराया इसलिए इस बार भी चलेगा। ये कह रहा है फ्रॉम अ न्यूली फॉर्मड रेडियोएक्टिव सैंपल हाफ लाइफ 2 आवर दे रखिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ वैल्यू, तो हमें जो शुरू शुरू में इंटेंसिटी दे रखी है वो 64 टाइम्स परमिसिबल सेफ वैल्यू, तो सेफ वैल्यू एन ले लें तो शुरू की इंटेंसिटी 64 एन हो गई, ठीक है ना। ये बोल रहा है मिनिमम टाइम बता दो जितनी देर के बाद इसके साथ वर्क करना पॉसिबल हो, तो मान लो ए बी के अंदर डिके कर रहा है, शुरू शुरू में इसकी एक्टिविटी 64N थी, ठीक है 64A ले लो, बाद में बच गई A तब बची जब वो सेफ कर इसके साथ काम करना पॉसिबल हो गया। 64 2 का मल्टीपल है, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला चला दो, तो A बराबर A नॉट बाय 2 की पावर n, A को बड़ा रहने दो, 64 बाय 2 की पावर n, ठीक है ना, A कट गया, यहां से 2 की पावर n 64 के बराबर हो गया, 64 हमारा हो गया 2 की पावर 6, तो इसको 2 की पावर 6 लिखा, n की वैल्यू 6 के बराबर आ गई, गिवन टाइम की वैल्यू 6 टाइम्स t हाफ हो गई, t हाफ हमें 2 दे रखा है, आंसर आ गया 12 आवर, आवर में ही है ना, हाँ, तो 12 घंटे बाद इसके साथ काम करना पॉसिबल हो जाएगा जब उसकी एक्टिविटी 1/64 रह जाएगी। ये हुआ इसका सवाल, कहीं से भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप देख लो मैं जबरदस्त स्पीड पर कर रहा हूँ, बट ये मानते हुए कि आपको आराम से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। चलते आगे, कहानी सुना सुना के भी कर सकता हूँ, बट ना आपके पास टाइम है कहानी सुनने का, ना मेरे पास टाइम है सुनाने का, क्योंकि हमारा एग्जाम नज़दीक है, ठीक है ना। तो इस टाइम में हम जितने कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें वही हमारे लिए बेनिफिट वाली चीज़ रहती है। यहाँ पर ये लेक्चर खींचने को तो 6-7 घंटे भी आराम से खींचा जा सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, बट जो काम 2 से 2.5 घंटे में करना पॉसिबल है उसके लिए 2 दिन क्यों लगाने, ठीक है ना। तो आप आराम से कर सकते हो और बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के पढ़ो। एटॉमिक पावर रिएक्टर फर्नेस कैन डिलीवर 300 मेगावाट, तो एक कोई पावर रिएक्टर है, वही मैंने बोला था ना आपसे न्यूक्लियर फिजन के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर का सवाल, वो ये रहा। कैन डिलीवर 300 मेगावाट पावर, एनर्जी रिलीज ड्यू टू फिजन ऑफ ईच यूरेनियम एटम इज 170 MeV, वैसे ही अगर ना गिवन हो तो हम अपना वही 200 MeV लेते हुए चलते हैं पर फिजन की एनर्जी। नंबर ऑफ यूरेनियम एटम फिजन पर आवर विल बी, तो कितने यूरेनियम एटम 1 घंटे में फिजन कर रहे होंगे हमें वो निकालना है। तो पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर का तो वही फॉर्मूला है ET, अगर n नंबर ऑफ न्यूक्लियर फिजन कर रहे हैं तो NE/T हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। पावर हमें 300 मेगावाट दे रखी है, तो 300 इंटू 10 की पावर 6 लिया, n हमें निकालना है, एनर्जी पर फिजन हमें दे रखी है 170 MeV, तो 170 m को 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई टाइम हमें दे रखा है 1 घंटा, तो 3600। यहाँ से हमने n की वैल्यू पकड़ ली, ठीक है ना, 10 की पावर 6 को तो बिल्कुल उड़ा दिया हमने, तो ये आ गया 30 × 36 इंटू ये हो गया 10 की पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 117 × 16 × 10 की पावर माइनस 19,
राइट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब चेक करो तो ये ऊपर चल गया 10^22 हो गया। इधर इसको काटते हैं तो ये तकरीबन 2.1 के आसपास आएगा, ये काटेंगे तो ये 1.9 के आसपास आ जाएगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करके 4 के आसपास आ जाएगा। तो 4 × 10^22 राइट आंसर ढूंढते हैं। 4 4 4 अच्छा ये दे रखा है, तो एक डेसिमल इधर लो, 40 × 10^21 इतने डिसइंटीग्रेशन हो रहे होंगे एक घंटे के अंदर, तब जाके 300 MW की पावर का रिएक्टर बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, चलो अब हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक और डी ब्रोगली, आसान कंसेप्ट मजे लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक में जब लाइट ऑफ सुटेबल रेडिएशन यानी एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, जब वो टकराती है तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अगर यहाँ एनर्जी या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रही कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होने पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होता, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। ये पॉइंट ध्यान रखना, इस पे सवाल था। अच्छा, अब वो आइंस्टीन की इक्वेशन है सिंपल सी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने तो H nu - H nu0 होगी, H nu0 हमारा वो वर्क फंक्शन का वैल्यू हो गया, या फिर अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहे तो EV0 से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। आई होप इस टाइम पर आपको ये आइंस्टीन की इक्वेशन तो आती होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाए, तो जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी सैचुरेशन करंट की वैल्यू, वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, थोड़ी देर बाद जाके करंट सैचुरेट हो जाता है। रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करने पर करंट कम होता चला जाता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर करंट रुक जाता है, इस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक सेल का करंट वोल्टेज का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट, अब अगर हम डिफरेंट इंटेंसिटी लें और डिफरेंट एनर्जी लें, ये ध्यान रखना हमने डिफरेंट इंटेंसिटी ली है, इंटेंसिटी हमने चेंज करी है मतलब क्वांटिटी ऑफ फोटोन चेंज करा है, एनर्जी इज स्टिल ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन हो गई, ये कोई ग्राफ नहीं बनेगा, कोई करंट वरेंट नहीं आएगा, कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, तो बात ही नहीं होगी ना आगे की। तो ये ध्यान रखना, एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन। ओके, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फोटोन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और सैचुरेशन करंट बढ़ता है। इससे इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी एज इट इज रहती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, के मैक्स एज इट इज रहता है। तो आप देखोगे ये बैक साइड पर जाकर के ग्राफ सेम पॉइंट पर मिलेगा। तो डिफरेंट इंटेंसिटी देखनी हो तो डिफरेंट सैचुरेशन करंट देखो, जितना सैचुरेशन करंट ज्यादा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा, ये हमारा वेरिएशन इन इंटेंसिटी का ग्राफ होता है। अब अगर हम एनर्जी वैरी कराएं गिवन वर्क फंक्शन से ज्यादा रखें तो इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्टॉपिंग पोटेंशियल अकॉर्डिंगली चेंज करता है, केमैक्स अकॉर्डिंगली चेंज करता है। अगर हम इंटेंसिटी चेंज करें बढ़ाएं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और केमैक्स बढ़ जाते हैं। तो ये वेरिएशन इंटेंसिटी का एनर्जी का ग्राफ होता है। नेक्स्ट हमारे दो छोटे मोटे ग्राफ है पर इस पर भी मैंने प्रॉब्लम रखा है, केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, इस जगह फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है। ठीक है ना, तो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो केमैक्स आना शुरू होगा। ठीक है ना, अच्छा ये ग्राफ बना कैसे, तो बना है वो आइंस्टीन की इक्वेशन से, लिखो तो केमैक्स इक्वल्स टू E - W, तो H nu - W। अब देखो इसको मैंने वाई एक्सिस पर रखा, ये एक्स एक्सिस पर है और W इसका इंटरसेप्ट हो गया। तो ग्राफ में आप चेक करोगे स्लोप H के बराबर है, वाई इंटरसेप्ट इसका हमारा नेगेटिव है। तो ये अगर हम पीछे एक्सटेंड करें ना तो ये जहां जाकर के टकराएगा वो और कुछ नहीं वर्क फंक्शन की वैल्यू देगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, ग्राफिकली पूछा जाता है। जिस जगह से स्टार्ट होगा वो और कुछ नहीं वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू होगी, स्लोप इसका एच के बराबर होगा। अब इसी तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ, तो के मैक्स की जगह ई वी नॉट डाल दिया, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई H/E nu - W/E। ठीक है, तो इस ग्राफ का स्लोप H/E के बराबर होगा, इसका वाई इंटरसेप्ट W/E के बराबर होगा। तो W/E इसका y इंटरसेप्ट हो गया और इसका स्लोप हमारा H/E के बराबर हो गया। तो आप चेक करोगे तो यहां जो वैल्यू देगा, जैसे मान लो उसने वैल्यू दे दी आपको -2 वोल्ट, माइनस में ही होगी, मान लो -2 वोल्ट वैल्यू दे दी, आप क्या करोगे -W/E के बराबर डाल के माइनस माइनस उड़ाया, W की वैल्यू मिल गई विच इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो बेहद आराम से। ठीक है ना, तो ये इस ग्राफ की खासियत है। चलते आगे, नेक्स्ट हमारे पास रेडिएशन प्रेशर। देखो रेडिएशन प्रेशर से वैसे तो सवाल आ जाता है, अगर आगे तो 5 सवाल आएंगे और अगर यहां से उसने सवाल छोड़ दिया तो 4 ही रह जाएंगे। तो यहां से आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, एग्जामिनर की चॉइस के ऊपर है। अब जैसे फोटोन के पास अपना मोमेंटम होता है, अपनी एनर्जी होती है, तो जब यह टकराता है तो मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होने से फोर्स एग्जर्ट होती है, फोर्स एग्जर्ट होने से प्रेशर लगता है। तो मान लो किसी, ये हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, तो मान लो किसी सरफेस पर
जाकर के फोटोन इंसिडेंट होते हैं और यहां से रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है ना, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट। अगर इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गामा है, अब ये गामा की वैल्यू, अगर गामा की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है ना, यार आर बोल लो, आर की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये सरफेस परफेक्ट एब्जॉर्बिंग हो गया, आर की वैल्यू अगर वन हो गई तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो बस आर की वैल्यू चेंज करके आप सवाल को उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने जनरल फॉर्मूले लिखे हैं, तो अगर आप इसका चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हो तो इसके चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है ई बाई सी वन प्लस आर, जहां आर उसका रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है। अब मान लो 100% रिफ्लेक्टिंग है तो आर की जगह आपने वन डाला तो रिजल्ट आ गया टू ई बाई सी। अब अगर आपको फोर्स निकालनी है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किया, जैसे ही टाइम से डिवाइड करोगे एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर बन जाएगा। पावर का यहाँ सिंबल हम पी नहीं लिखते, डब्ल्यू लेते हुए चलते हैं। अब अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप इसमें एरिया से डिवाइड करोगे, पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी बन जाएगा, तो प्रेशर में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये तीन सीक्वेंस वाइज फॉर्मूले बन गए, ई बाई सी वन प्लस आर, डब्ल्यू बाई सी वन प्लस आर और तीसरा आ गया आई बाई सी वन प्लस आर। तो इनसे आप रेडिएशन प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो, ये देखते हुए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आती है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जैसे फोटोन के पास अपना मोमेंटम होता है, ठीक है ना, वैसे ही हाँ हम उसके मोमेंटम को m इंटू सी नहीं लिखते, ठीक है ना, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फोटोन का तो नहीं लिख सकते बट किसी और मैटर पार्टिकल का तो लिख सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने यहाँ से हाइपोथेसिस बनाई कि किसी भी मैटर यानी जिसके पास मास है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ एक ही फॉर्मूले से निकलेगी। ये ध्यान रखना, जिस पार्टिकल के पास मास है उसकी वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान ने बताई, वो था डी ब्रोगली। तो एच बाई एम वी फॉर्मूला मॉडिफाई हुआ एच बाई टू अंडर रूट टू एम के, जहाँ के हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं वी के पोटेंशियल से तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी के बराबर डाल देंगे, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। तो ये टॉपिक मोर ओवर फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा कंसेप्ट और बाकी फॉर्मूला बेस्ड। ज़्यादातर इसमें क्या आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल और थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इनकी वेवलेंथ के फॉर्मूले, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आई होप आपने जरूर याद करेंगे, मैंने फिर लिखे हैं यहाँ पे बट आप एक बार देख लो। तो मान लो कोई थर्मल न्यूट्रॉन है जो कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो थर्मल न्यूट्रॉन कौन होता है, ये वो न्यूट्रॉन होता है जो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है ना। तो इसकी वेवलेंथ निकालने का ये डायरेक्टली पूछ लिया गया, फॉर्मूला होता है एच अपॉन अंडर रूट थ्री एम के टी, के हो गया बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, एम हो गया मास, टी हो गया उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में डालना है। अब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ की वैल्यू हो जाती है 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, जहां वी हो जाता है उसका पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। प्रोटॉन के लिए 0.28, 0.28 को मैंने पहले भी बताया हुआ है, हम 2√2 लिखेंगे ना, 2√2 लिखेंगे तो 2√2 हो गया 2 × 1.4 यानी 2.8 डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो 0.28 बन जाएगा। तो 0.28 को ब्रेक करने का हमारा तरीका रहेगा 2√2/10, ये ध्यान रखना, ये जुगाड़ तंत्र जरूर चलता है यहाँ पे। इसी तरीके से ड्यूट्रॉन का होता है 0.2, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, और इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल का होता है 0.1/√2/√V, और इसी तरीके से टी टेम्परेचर पर अगर कोई न्यूट्रॉन दे रखा हो तो उसका होता है 30.83 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट टी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में हमारे फॉर्मूले हो गए जिनको हमें यूज करना होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस सेक्शन के प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम का सेक्शन जबरदस्त है, आप कृपया करके ध्यान से देखना, दो सवाल नहीं तो तीन सवाल इस सेक्शन से मिल जाएंगे। तीन किस्मत अच्छी हुई तो वो आपको रेडिएशन प्रेशर वाला सवाल दे देगा, नहीं अच्छी हुई तो यार दो ही मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक और डी ब्रोगली, तो 100% श्योर है आएगा ही आएगा। तो सीखो, और हर वैरायटी का सवाल है। तो ये कह रहा है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंटेड ऑन मेटल प्लेट हुज वर्क फंक्शन इज दिस मच, देन पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल इक्वेशन बेस्ड, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम मैंने रखा है। तो पहले हम ई की वैल्यू लिख लेते हैं, ई हो गया एससी बाय लैम्डा, एससी का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है, कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, लैम्डा हमें 2500 दे रखा है, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ठीक है ना। ये अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 5 के आसपास, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन वैसे होगा 4.9 के आसपास, ठीक है ना, आप काम चलाने के लिए 5 ले लो। तो एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन दे रखा है हमें 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ई वी इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू, तो ये तकरीबन आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ई से ई कैंसिल करो और स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ गया 1.5 वोल्ट, और एग्जैक्ट लिखेंगे तो वो निगेटिव 1.5 वोल्ट होगा, बट निगेटिव में दे नहीं रखा आंसर, मैग्नीट्यूड देना है। 1.5 हमने राउंड फिगर में निकाला आंसर, इससे थोड़ा सा कम, तो 1.5 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन चमक रहा है, 1.46 हमारा काम बन गया। चलते हैं आगे,
ये कह रहा है वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज दिस मच, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस। तो कौन सी लाइट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करवाएगी, जिसकी एनर्जी ग्रेटर दैन इक्वल टू वर्क फंक्शन हो। एससी बाय लैम्डा ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू एचसी का वैल्यू डाल देते हैं, अब नैनोमीटर में निकालना है तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 कैंसिल हुआ, लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 3 12 3 1 10 नैनोमीटर। तो 3 1 10 मैक्सिमम वेवलेंथ हुई, इससे ज्यादा कर दी कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा 3 1 10। तो मेरे ख्याल से सिंपल है, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ देख के पता चल रहा है ना कि ये ग्राफ हम लोग हर बार देखते हैं, इस बार भी देख रहे हैं। आज वो चेक करते हैं ए और बी, तो चेक करो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो ए और बी की एनर्जी सेम है, ठीक है, बट ए और बी की इंटेंसिटी अलग है। तो इंटेंसिटी ऑफ बी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी ऑफ ए, इंटेंसिटी का पता सेचुरेशन से चलेगा, एनर्जी का पता स्टॉपिंग से चलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली बी और सी की इंटेंसिटी सेम है, पूरा ही लिख दिया मैंने, अभी तो ऑप्शन भी नहीं पड़े। बी और सी की इंटेंसिटी सेम है बट बी और सी की एनर्जी अलग है, एनर्जी ऑफ सी ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ बी। ए और सी के दोनों ही अलग है, ठीक है ना, इंटेंसिटी भी अलग है एनर्जी भी अलग है। एनर्जी ऑफ सी ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ ए, इंटेंसिटी ऑफ सी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी ऑफ ए। तो ये इसकी पूरी राम कहानी रही। अब इस बेसिस पर ऑप्शन है, ढूंढ लो कौन सा राइट आंसर है। ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटी, नहीं जी ये तो गलत ही हो गया। बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, ये भी गलत हो गया। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, चलो अभी तक तो ठीक है। While B and C have equal frequency, B and C कहाँ पर है, have equal frequency, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। B and C will have equal intensity, तो B और C की equal intensity है, सही है। While A and B will have same frequency, A and B will have same frequency, यानी same energy, right answer, fourth वाला हो गया, मिल गया ना। तो graphically भी कोई problem करना हमारे लिए impossible नहीं है, अगर हमारे concept सही है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, फिर से ग्राफ मैंने बोला था रखूंगा, तो इस बार का ग्राफ ये रहा। क्या पूछ रहा है, वर्क फंक्शन बताओ, कैसे बताओगे, कोई दिमाग फालतू का नहीं लगाना। के मैक्स की इक्वेशन में क्या बताया था, वाई इंटरसेप्ट इसका वर्क फंक्शन के बराबर, माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। तो माइनस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, माइनस माइनस वहा हो गया, वर्क फंक्शन की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, आंसर हमारे सामने आ गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब ये कुछ नहीं करना इनके ग्राफिकल प्रॉब्लम में, अगर आप टू द पॉइंट जानते हैं टिक करें, 5 से 10 सेकंड में 4 नंबर आपके तैयार। नेक्स्ट दिखाता हूं, हाँ ये देखो, फोटो सेल इज एलिमिनेटेड बाय स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो वो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। अब डिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज होगी, पॉइंट सोर्स है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के हिसाब से। इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट के प्रोपोर्शनल होती है तो वो करंट चेंज होगा, ठीक है ना। गिवन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। कह रहे व्हेन द सेम सोर्स, यानी एनर्जी इज सेम, एनर्जी चेंज नहीं करी गई, स्टिल ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन है, इज प्लेस्ड 0.5 मीटर अवे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय फोटो कैथोड विल बी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने यानी इंटेंसिटी की बात करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ 1 बाय इंटेंसिटी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। अब बाद का डिस्टेंस यार कितना है, 0.5 मीटर, पहले का 1 मीटर, तो ये 1/4 आ गया। तो इंटेंसिटी इन केस ऑफ 2 इज 4 टाइम्स इंटेंसिटी इन केस ऑफ 1, इसका मतलब ये निकला कि अब फोटो इलेक्ट्रॉन 4 टाइम्स ज्यादा निकल रहे होंगे एज कंपेरिजन टू 1, क्योंकि सोर्स की एनर्जी तो वही की वही है, ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन, ठीक है ना। ये एक एक चीज ध्यान देनी है इस पर, तो इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाँ ये आपको देखने में लेंथी लग रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनर को विशेष पसंद है, ठीक है ना। 2 इक्वेशन 2 अननोन का सवाल है, ये उनको विशेष पसंद है, और हम इसको एक लाइन के अंदर फूंक देंगे कि कैसे इस सवाल को परफेक्टली एग्जाम में करना चाहिए। तो पढ़ो, मेटल सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, देन पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप 3 वोल्ट। फट से इक्वेशन बनाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट, कोई फालतू का दिमाग नहीं, सिंपल। कह रहा है व्हेन द सेम सरफेस इज इलिमिनेटेड, सेम सरफेस तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, इज इलिमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी, यानी 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एस सी बाय 2 लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब मुद्दे पे आओ, करना क्या है, देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट निकालनी है, किस टर्म में निकालनी है, लैम्डा के टर्म में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट मार दो, गेम ओवर, कहा ना एक लाइन में फूक देंगे हम इसको।
तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अगली लाइन भी नहीं लगाई मैंने इसमें, और सब्ट्रैक्ट मार दिया, ठीक है ना, ये तो बेचारा उड़ गया। 1 - 3 SC/2 लैम्डा, तो -SC/2 लैम्डा आ गया, ठीक है ना, -SC/λ0 + 3 SC/λ0, तो ये आ गया +2 SC/λ0। अब आमने सामने ले जाओ, लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल गई 4 लैम्डा, और क्या चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपके सामने ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो है दो इक्वेशन दो अननोन का, बट टू द पॉइंट हमें सवाल में चलना है और आंसर हमारे हाथ में होगा। नेक्स्ट है, अरे ये तो अपना दोस्त है, ठीक है ना, ये हमारे डी ब्रोगली के रेशियो का सवाल है। कह रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ऐसे देखे हुए सवाल हो ना कितना अच्छा लगता है एग्जाम के अंदर। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन का लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, 0.28/√V, और कौन है भाई, अल्फा पार्टिकल है 0.1/√V, ठीक है ना, तो सेम पोटेंशियल है तो वी तो कट जाना। आगे देन द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, तो हमें दोनों की वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा 0.28/√V आपके लिए लिख दिया मैंने, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं, मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 2.8, और 2.8 को अभी तो बताया 2√2, तो आंसर हो गया 2√2:1। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर 3rd वाला है। ऐसी स्पीड पे चलना है, इस स्पीड पे चल गए ना तो फिजिक्स करने में आपको 40 से 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कैसे, कोई मुश्किल तो नहीं है, ये तो नहीं है कि मैंने नहीं बताया और अचानक से सवाल उठा के कठिन 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 डाल दिए, यही आते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, अगर आप सही से पढ़ गए, अभी भी अगर आप सही से पढ़ गए और सही से प्रैक्टिस कर गए, लड़ाई जीत लोगे, ठीक है ना, वरना वही अभी तक जैसे चलते आ रहे थे वैसे ही चलते रहे तो यार भारी पड़ जाएगा, फिर 1 साल लगाना पड़ेगा। पढ़ो, हाँ इस प्रॉब्लम को मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। पढ़ो, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, तो एक पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। अब थोड़े से आपके कान खड़े हो गए होंगे, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया सर कहाँ घुस गए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, जी तो प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं। अरे यार डी ब्रोगली है ना, तो जिसका मास उसका वेवलेंथ, तो मास तो कोई भी चीज़ आप प्रोजेक्ट कर लो जिसके पास मास हो। पढ़ो, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, एम मास का पार्टिकल ले लेते हैं, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, आगे 10 m/s दे रखा है यू, अच्छी बात है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30° and 60° विद द हॉरिजॉन्टल। तो 30° और 60° का हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाए, तो इस जगह वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, 30° का एंगल बना रही है, इस जगह वेलोसिटी v2 ले लेते हैं, 60° का एंगल बना रही है। कहता है जी अब बता दो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा, ठीक है ना, अब बता दो। तो कैसे बताएं, तो सुनो अब एग्जाम में हड़बड़ा सकते हो इस सवाल के अंदर, अचानक से आ गया ना प्रोजेक्टाइल मिक्स कर दिया डी ब्रोगली में, कैसे निकालोगे। देखो यार अगर v1 v2 पता चल गए u के टर्म में, गेम ओवर, बेसिक कंसेप्ट पे टिको। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो v1 cos 30 u के बराबर होगा, v2 cos 60 u के बराबर होगा, आ तो गया v1 और v2, क्या आफत है। तो v1 cos 30 = u, u को यू ही रहने दो, तो v1 की वैल्यू आ गई 2/√3 u, v2 cos 60 = u, तो v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2u। अब हमारे पास v1 आ गया, v2 आ गया, तो डी ब्रोगली क्यों नहीं आएगा। तो λ1/λ2 करें तो ये हो जाएगा h/mv1 और h/mv2 का रेशियो, यानी v2/v1 का रेशियो, v2/v1 यानी ये अपॉन ये, तो 2u/2u/√3, राइट आंसर √3:1, गेम ओवर। तो डरने की क्या जरूरत है, बेसिक कंसेप्ट यही तगड़े चाहिए, कोई आपको IIT एडवांस नहीं करना कि आप लगे पड़े हैं, आपको यही बेसिक तगड़े चाहिए, यही नीट निकलवाएगा आपसे। नेक्स्ट पढ़ो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग 80 eV ऑफ एनर्जी इज नियरली। एक एक सवाल चुन चुन के रखा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर चीज है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो, अगर उसको 80 eV की एनर्जी से एक्सेलरेट किया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 80 eV, इसको हमने ईवी के बराबर डाला, यहां से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मिल गया 80 V। अब फॉर्मूला लगा दिया 12.27 angstrom/√80। अब √80 तो अपना दोस्त नहीं है, पर 81 तो है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 ले लेते हैं इसको, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 12.27/9, वैसे 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा क्यों, 9 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है ना, तो 9 से थोड़ा सा कम 8.9, हमारी गणित बिगड़ती, हमने 9 ले लिया,
अब लैम्डा देख लेते हैं, तो 9 1 9 बचा हमारे पास 3, 9 3 27 और 7 और 5 12, 9 6 54, तो 1.36 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा, इतू सा ज़्यादा। अब देखो 1.36 से इतू सा ज़्यादा साफ चमक रहा है, 1.4 एंगस्ट्रॉम, मज़ेदार, ठीक है ना। एक एक चीज़ हमने कवर कर ली, अभी एक बाकी है, देखो ये भी नहीं छोड़ा, ये वेलोसिटी दे रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, टी टाइम बाद डी ब्रोगली बता दो, छोड़ा तो नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड करा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन से एसोसिएटेड करा दिया, रेशियो करा दिया, हर चीज़ हमने कवर कर ली। प्रोजेक्ट अपना फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर दो इक्वेशन, दो अननोन का सवाल अभी बाकी है, प्रीवियस ईयर वहाँ भी देख लेंगे। चलो देखते हैं इसको, ये कहता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ लग रही है, नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। चित्र बना लेते हैं, इसको हमने वी नॉट से फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या करेगी, इधर फोर्स लगाएगी, एक्सेलरेशन इधर साइड आ जाएगा, E E नॉट बाय m, करना क्या सीधे बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ टी टाइम बाद बताओ, तो टी टाइम बाद पहले हम इसकी वेलोसिटी लिखेंगे, तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू हो गया वी नॉट, ए हो गया E E नॉट बाय m इंटू टी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई H बाय m v, बस और क्या है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई H बाय m। अब इसमें से वी नॉट बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 plus E E naught T by m v naught, that's it, lambda by m v naught, ये हो गया lambda naught, यानी original डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इधर आ गया 1 plus E E naught T by m v naught। तो आई थिंक आप इसमें भी परफेक्ट ही हो गए, इसके अंदर भी अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट आंसर हो गया हमारा। ये बहुत आता है, ये एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, मैंने लेक्चर्स वाले बच्चों को टिक भी कराया हुआ है, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, देखो 2016 किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक का, और देखो 16 किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक का, फिर से 16 किसका है, डी ब्रोगली का, फिर से 16 हाइड्रोजन एटम का, फिर से 16 डीके का, फिर से खत्म ही नहीं हो रहा, फिर से किसका आ गया, ये आ गया क्लोजेस्ट अप्रोच का, यानी रदरफोर्ड का, आपके सामने है यार, इसने लाइन लगा दी है, लाइन लगा दी है, इतना बेशरम है, हर चीज़ पूछ के मान रहा है, और कहीं से पूछ ले नहीं, मॉडर्न फिजिक्स से पूछेगा, और लोग मॉडर्न फिजिक्स को मुश्किल समझते हैं, हमारे लिए तो बच्चों का खेल है। आ जाओ, ये कहता है पढ़ो, फोटोन विद एनर्जी इंसिडेंट ऑन कैथोड सी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो एनर्जी दे रखी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के मैक्स दे रखा था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सब क्यों दे रखा है, डब्ल्यू निकालने के लिए, तो डब्ल्यू हो गया हमारा कितना, ई माइनस के मैक्स, यानी आंसर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करें, व्हेन फोटोन ऑफ 6 इंसिडेंटेड ऑफ सी, नो फोटो इलेक्ट्रिक विल रीच एनोड इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, कहता अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम लाइट एनर्जी डालें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, EV0 equals to E minus W, तो 6 minus 3 equals to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV0, EE काट दो, आंसर V0 का मैग्नीट्यूड आ गया 3 वोल्ट, और साइन वाइज देखें तो -3 वोल्ट। अब साइन वाइज लेना है, बिल्कुल लेना, परफेक्ट है, तो राइट आंसर हो गया हमारा -3 वोल्ट। चलते हैं आगे, पढ़ो, वेल मेटलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी, दो इक्वेशन दो अननोन की बात चल रही है, चुपचाप से इक्वेशन बनाओ, वैसे शोर मचा के भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, SC by lambda minus SC by lambda naught, पढ़ा रहने दो। कह रहा है when same surface is illuminated with 2 lambda stopping potential V by 4, तो EV by 4 SC by 2 lambda minus SC by lambda naught, करें क्या, threshold wavelength अभी तो कराया था जस्ट आपको, दो equation दो अननोन देखो सामने है, तो ये कह रहा है lambda naught बता दो, lambda के टर्म में कितना होगा, क्या करें, क्या करें, क्या इसको eliminate करना पड़ेगा, तो by 4 कर लो, by 4 सब्ट्रैक्ट मार लो, माइनस माइनस प्लस, ये तो गया, चॉइस आपकी है, जैसे चाहिए वैसे चलो, बट जगह ज़्यादा कंज्यूम मत करो, तो ये माइनस ये कर लेते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा इधर तो 0 हो गया, -SC by 4 lambda, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 minus 1 by 4, तो ये बन गया 3 by 4 SC by lambda naught, आमने सामने ले जाओ, 4 कट गया, SC कट गया, लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई 3 lambda, राइट आंसर टिक करो, और 4 नंबर पूरे। चलते हैं आगे, नीट 2016 पढ़ो, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी, अब फोटोन है यहां पर कंफ्यूजन में, प्रोटॉन नहीं है, फोटोन है, ठीक है ना, थोड़ा ब्रेक मार के, तो
इलेक्ट्रॉन एम मास का और फोटोन की सेम एनर्जी है। अब हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 ME हो गई। अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन लिखना, डी ब्रोगली ने तो मास वाले का बताया था, तो फोटोन की एनर्जी एससी बाय लैम्डा हो गई, तो लैम्डा की वैल्यू एससी बाय ई हो गई, इसमें क्या सोचना, ठीक है। तो ये हो गया फोटोन के लिए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, रेशियो ले लो गेम ओवर। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा फोटोन का रेशियो अगर मैं लूं तो ये आ गया एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 ME इंटू एच सी और बाई ई। अब देखो एच से एच निपटारा हो गया इसका, ई ये कैंसिल हुआ, तो अंडर रूट ई बाई 2 ME इंटू 1/C। अब ढूंढो 1/C अंडर रूट ई बाई 2 ME, राइट आंसर साफ चमक रहा है, डी वाला करेक्ट है। बस चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम नीट 2016 का फिर से, ठीक है ना। दो इक्वेशन नहीं, ये है हाइड्रोजन एटम का, यानी ये सवाल हमारा एटम से कनेक्टेड है। पढ़ो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इट एमिट्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इक्वेशन छापो, तो 1/λ एक हाइड्रोजन एटम चल रहा है, Z1 हो जाएगा 1/4 - 1/9, यानी ये रिजल्ट आ गया 5R/36। ओके, When it jump from fourth orbit to third orbit, corresponding, इतने गंदे सवाल पूछ लेते हैं यार ये लोग, इनका मतलब कुछ भरोसा ही नहीं है। इतने सिंपल सवाल भी कोई पूछता है क्या? फोर्थ से थर्ड में आया तो 1/9 - 1/16, तो ये आ गया 7R/9 × 16, ठीक है। अब हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, 5R/36 टाइम्स 7R और ऊपर चल गया 9 × 16, 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 16, ठीक है ना, 4 × 5 = 20/7, तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 20/7 लैम्डा। ढूंढो कौन सा आंसर है, तो हमारा राइट आंसर इसमें हो गया सी वाला, ठीक है। चलते हैं आगे, तो पूछ 5-6 रहा है, बड़ू 5-6 में कोई ऐसा नहीं है कि हमें सोचना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, अरे यार बड़ा कठिन है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो पढ़ो, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 30 मिनट, बड़ी अच्छी बात है। द टाइम टेकन बिटवीन 40% डिके एंड 81 पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मैं कहा ना एक बार पढ़ा दूं मैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अटक जाओ, बस मन लगा के पढ़ लो। बाय लॉग 2 की बेस 10 लॉग ऑफ N1/N2 की बेस 10, अब 40% डिके, ध्यान रखना हमें बचा हुआ चाहिए, तो 60% बचा, तो टी हाफ बाय लॉग 2, ये बस थोड़ी देर टांगे रहो इसको, टाइम्स 60% बचा, तो 60/100 ऑफ N0 कट जाएगा, मैं नहीं लिख रहा, 85% डिके, तो 15% बचा, तो 15/100 ये यहाँ निकल लिया, 4 को लिखा 2 square, तो ट्वाइस ऑफ टी हाफ आ गया। अभी मैं कहूँ लॉग 2 कहाँ गया, अरे कट गया भाई, तो ट्वाइस ऑफ टी हाफ कितना दे रखा था 30, तो आंसर आ गया 60 मिनट, तो राइट आंसर हमारा हो गया 60 मिनट, ऑप्शन डी करेक्ट। चलते हैं आगे, 2016 क्या कह रहा है, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग वेलोसिटी वी बम्बार्ड्स विद अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन, ये कोई सवाल है, ठीक है बताओ, ये कोई सवाल है आप ही बताओ, लैम्ड वो पूछ रहा है क्लोजेस्ट अप्रोच मास पे कैसे डिपेंड करेगा, इतना कठिन प्रॉब्लम, हाफ ME² KZE² KZE टाइम्स, अरे चल जा भाई, तो KZE टाइम्स 2E डिवाइडेड बाय R0, तो R0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, इससे बढ़िया तो ऐसे ही 4 नंबर दे देता है ये, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M यानी 1/M आ गया। मेरे ख्याल से इसमें ये पूछना भी अत्याचार होगा, आपको समझ आ गया, आ ही गया होगा, इसमें था ही गया। चलते हैं आगे, नीट 2017 का प्रॉब्लम, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर, इसको बोलते हैं अपना थर्मल न्यूट्रॉन, तो जो हैवी वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है उसको बोलते हैं हम थर्मल न्यूट्रॉन, टेम्परेचर टी, तो √3 MKT, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, ऐसे भी आते हैं, ठीक है ना, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। चलते हैं आगे, 2017 का, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन कौन सी, सीरीज लिमिट, इन्फिनिटी से लेकर के 1 हो गया लाइमन का, इन्फिनिटी से 2 हो गया बामर का, रेशियो तो पूछ रहा है, ठीक है बताएंगे बिल्कुल, तो 1/λ लाइमन बाय 1/ क्यों करूं 1/λ बामर, पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो R(Z²) N1 की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया इन्फिनिटी, तो बेसिकली हमारे पास R(Z²) 1 बचा, बात इतनी सी है, ये देखें तो R(Z²) 1/4 बचा, बस इतना ही लिख देता हूँ, इन्फिनिटी वाला तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या निकालना है,
रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर बाय लाइमन. तो बामर बाय लाइमन यानी ऐसे ही रेशियो ले लो, तो एल बी बाय लैमडा बी बाय लैमडा एल, ये रेशियो मेरे पास आ गया आर जेड स्क्वायर कटा 4:1. राइट आंसर हमारे सामने फोर्थ वाला. चलते हैं आगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से 2017 का पढ़ो. रेडियो एक्टिव मटीरियल ए हैज डिके कॉन्स्टेंट 8 लैमडा. तो ए का डिके कॉन्स्टेंट 8 लैमडा दे रखा है. बी हैज डिके कॉन्स्टेंट लैमडा यानी दो न्यूक्लियाई हैं. लिख लेते हैं पहले. तो ए डिके कर रहा होगा किसी के अंदर, डिके कॉन्स्टेंट 8 लैमडा है. बी डिके कर रहा होगा, इसका डिके कॉन्स्टेंट लैमडा है. इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों के न्यूक्लियाई सेम करें. हमेशा जब भी दो न्यूक्लियाई वाली बात चल रही है जैसे कह रहा है वैसे चलो. आगे, आफ्टर वॉट टाइम रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी टू दैट ए विल बी 1/e. तो एन बी मान लेते हैं कुछ टाइम बाद बचे, मैं यहीं लिख लेता हूँ, और इसके एन ए बचे. तो ये कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी इज टू ए, ये 1/e होगा. ऐसा कितने समय के बाद होगा ये बताओ. अब देखो खास पहचान, एन का फॉर्मूला एन नॉट बाय 2 की बार n होता है, ठीक है ना, बट वो हम तब लगाते हैं जब 2 के मल्टीपल में चल रहा हो. ये एक्सपोनेंट में तो एक्सपोनेंट वाला लगाएंगे. तो एन बी का फॉर्मूला हो गया एन नॉट जो कि बराबर ही है ई की पावर माइनस लैमडा टी. ये हो गया एन नॉट ई की पावर माइनस, ये आ गया हमारा 8 लैमडा टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1. चलो भाई ये तो इधर से निकला, तो रिजल्ट आ गया ई की पावर 8 लैमडा टी माइनस लैमडा टी 7 लैमडा टी, ठीक है ना, इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1. तो यहां से टी का वैल्यू आ गया माइनस 1/7 लैमडा. अब बताओ समय, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, किसी का कितना भी खराब चल रहा हो नेगेटिव तो नहीं आता नहीं आता ना, तो ये नेगेटिव कहां से आ गया, इसका मतलब क्या हुआ. यहां AIPMT वाले AIPMT तो ये थोड़े से ज्यादा चालाक हो गए, नहीं चालाक नहीं हो गए, बेवकूफी कर गए, सवाल गलत बना गए. तो ये जो सवाल था इस तरीके से ये एग्जाम में गलत हो गया और इस प्रॉब्लम के अंदर सबको बोनस मिला. सही है, तो जैसे मिला मैंने बता दिया कि कहां गलती है, देख लो अच्छी तरीके से, गलती रखा मैंने उसको करेक्ट भी नहीं किया. तो बोनस मिला था इसके अंदर, टी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, माइनस 1/7 लैम्बडा कभी भी नहीं आएगी. तो राइट आंसर इसमें था ही नहीं, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम को अगर आपने छोड़ भी दिया ठीक है ना तो भी आपको बोनस मिलेगा, और अगर आपने 1/7 लैम्बडा भर भी दिया तो भी आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि सबको बोनस मिलता है, ठीक है ना. और वो डायलॉग है ना, तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, तो अगर गलत हो गया तो सब में बटेगा 4 नंबर, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो कभी ऐसे बोनस होता है तो सबको मिलता है. नेक्स्ट 2018 का प्रॉब्लम, ये कह रहा है फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट. इनिशियली देयर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो एन नॉट दे रखा है 600, ठीक है. टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई, ठीक है ना. तो 450 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए, बचे कितने 150, ठीक है ना. तो 150 बचे, तो हमें निकालना है टाइम. तो मैंने लगा दिया एन बराबर एन नॉट 2 की पावर n, देख लेते हैं क्या आता है. एन बचे हुए 150, शुरू कितने थे 600 बाय 2 की पावर n, तो 15 4 जा यानी 2 की पावर n इक्वल्स टू 4 हो गया, यानी n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. तो गिवन टाइम हो गया 2 times t half, t half कितना था 10 मिनट, आंसर हो गया 20 मिनट. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 20 मिनट के हिसाब से राइट आंसर हो गया सी वाला. कितनी देर लगती है, कुछ भी नहीं. चलते हैं आगे, नीट 2018, इसने लाइन लगा रखी है, हम भी अपनी स्पीड में धड़ाधड़ करे चले जा रहे हैं. मैंने माना थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, बट क्या हो गया, ठीक है ना, सीखने को ही तो मिल रहा है. छोटा भी कर सकता था, उड़ा भी सकता था, सारा कुछ मेरे हाथ में था, ठीक है ना, बट मैंने रखा है सब कुछ ताकि इस चैप्टर में कोई कंजूसी ना रहे. चलो, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 nu0 इज इंसिडेंटेड ऑन अ मेटल प्लेट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1. तो इक्वेशन बनाई, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू एच इन टू 2 nu0 माइनस एच nu0, बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. आगे कह रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज टू 5 nu0 यानी एच इन टू 5 nu0. अगर ये बोलता है इंक्रीज्ड बाय 5 nu0 तो नई फ्रीक्वेंसी हम 7 nu0 लिखते हैं, ठीक है ना. थोड़ा सा बाय और टू में थोड़ा लफड़ा होता है, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से देख लेना, ये छोटी सी गलती नेगेटिव करा देगी. माइनस, अब इसको मैं nu0 नहीं लिख रहा, नहीं तो फिर क्या होगा ना, अपन कंफ्यूज होंगे, nu- डाल देता हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, तो कितनी है v2, हाफ एम v2 स्क्वायर. करना क्या है सीधे बताओ, रेशियो ऑफ v1 इज टू v2, तो हमें v1 बाय v2 का रेशियो निकालना. अब कैसे करें इस सवाल को, ठीक है ना. तो इस सवाल को करने के लिए जरा गौर से देखो, nu0 इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोने में लगा के दे रखा है कि nu0 जो है वो हमारी आदत है nu0 लिखने की, वो आदत मैंने तुरंत चेंज कर दी, मैंने nu- लिख लेते हैं, अगर दे रखा होगा तो लिखेंगे, नहीं दे रखा होगा तो छोड़ेंगे. तो अब हमें यहाँ ये श्योरिटी हो गई कि हाँ यार थ्रेशोल्ड का नाम भी nu0 ही है,
नहीं तो गड़बड़ हो सकता था, इसलिए ये चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है। तो अब इधर बचा एच न्यू नॉट, इधर बचा 4H𝜇₀। अब रेशियो तो लेना, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। V1² / V2² = 1/4, यहाँ से V1 / V2 1/2 आ गया, गेम खत्म। तो 1/2 हमारे पास V1 / V2 का रेशियो आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर से 2018 का एटम का प्रॉब्लम पढ़ते जाओ। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमें तो पता ही है इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, K = |U/2, यही तो होता है। मॉड इसलिए लगता है क्योंकि नेगेटिव होता है, पूरा एग्जैक्ट लिखो -U/2। अब किसका रेशियो चाहिए इसको, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, ओके सॉरी मैंने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, तो काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ E के बराबर होती है, यानी -E के बराबर होती है। तो K/E का रेशियो देखोगे तो -1 आ जाएगा। अब ढूंढो इसमें -1 कौन सा दे रखा है, 1:-1, तो राइट आंसर इसमें हमारा बी वाला हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नीट 2019 पहुंच गए हम 19 तक। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4। तो ये कौन सी ऑर्बिट हो गई हमारी, सेकंड बोर ऑर्बिट हो गई। करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है, इतना कठिन सवाल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इतना कठिन है बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी +3.4 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल हो गई 6.8 के बराबर, तो +3.4 और माइनस का 6.8, राइट आंसर भी हो गया। ऐसे भी हो जाते हैं सवाल। नेक्स्ट देखो 19 का प्रॉब्लम। देखो मेरे को पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगा होगा, पर मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उड़ाने में कुछ टाइम नहीं लगा। ये बात ये इंडिकेट करती है कि आप जो आज पढ़ते चले आ रहे हो उस बेसिस पर आप PYQ अगर ख़त्म कर सकते हो तो नीट को भी फूक के आ सकते हो, बस खाली कायदे से पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत हाई लेवल पर नहीं जाना। कह रहे इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, कितना हार्ड सवाल। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। अब V कितना है, 10,000, 10^4, तो ये 100 आ जाएगा, तो 0.1227 एंगस्ट्रॉम। मीटर में देनी है क्या, मीटर में देख लेते हैं भाई, 10^-10 हो गया, तो 0.1227 × 10^-10। अब एक एक वेरीफाई करना पड़ेगा, तो 12.2 × 10^-12 मीटर, ये आ गया आंसर, है क्या 12.2 × 10^-12 मीटर, बिल्कुल है। तो राइट आंसर हमारा हो गया ए वाला, करेक्ट, मेरे ख्याल से समझ गए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नीट 2019 अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, बताओ क्या सोच करके सवाल दिया। अल्फा पार्टिकल नहीं पता होगा, कईयों को नहीं होता, ये भी बात फैक्ट है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन उड़ा देते हैं, ठीक है ना, तो बचता है अल्फा पार्टिकल। दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता, तो ऐसे भी दे देते हैं। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, राइट आंसर डी हो गया। चलते हैं आगे, चलो 20 तक पहुंचे, पढ़ो। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना, तो वी का वैल्यू बता दो। देख लो आप, 19 में भी पूछ लिया भाई साहब ने, 20 में भी पूछ लिया, वहां वी दे दिया, लैम्डा पूछ लिया, लैम्डा दे दिया, वी दे दिया, वी पूछ लिया, तो 1.227 × 10^-2 ये -2 नैनोमीटर है, तो मैं इसको लिख लेता हूं -1 एंगस्ट्रॉम, सही है ना, एक इसमें उड़ा दिया, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम / √V। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है, एक काम करते हैं, इसका डेसिमल भी इधर ही खसका देते हैं, तो ये बन जाएगा 12.27 × 10^-2 एंगस्ट्रॉम = 12.27 एंगस्ट्रॉम / √V। ये तो उड़ गया, ठीक है ना, तो √V की वैल्यू आ गई 10^2, V की वैल्यू आ गई 10^4। तो 10^4 वोल्ट ये हमारा राइट आंसर है इस, अब देख लो बिल्कुल उल्टा पुल्टा सवाल है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। चलते हैं आगे, नीट 2020 फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, ये वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशी के लिए। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन ये हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम प्लस हो गया, ये नहीं हो गया, तो इसलिए राइट आंसर सेकंड हो गया, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखो, नीट 2020 पढ़ो, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन 1.5 μ₀ है। आगे, इज इंसिडेंटेड ऑन फोटो सेंसिटिव मटीरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, तो फ्रीक्वेंसी हाफ करी, तो इसका हाफ करेंगे तो 0.75 μ₀ हो गया। ये फ्रीक्वेंसी 0.75 μ₀, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थ्रेशोल्ड से कम हो गई, तो μ′ इज लेस देन μ₀।
अगर ये थ्रेशोल्ड से कम हो गई, वॉट एवर भी द इंटेंसिटी, फोटोइलेक्ट्रिक होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बस इसमें यही गेम था, तो हाफ कर दिया। कई बच्चे ये समझो 0.75 न्यू नॉट, चलो अब हम निकालते हैं कितना हो गया करंट, तो भाई आएगा ही नहीं करंट, क्योंकि लाइट की एनर्जी या इंटेंसिटी, लाइट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं होगी तब तक कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया 0। ये था छोटा सा कंसेप्चुअल। आगे पढ़ो। 92 यूरेनियम 235 बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, ओके, इट जनरेट 36 क्रिप्टन विद 3 न्यूट्रॉन, और क्या निकलता है बताओ? कुछ और नहीं मिला तो फिजन रिएक्शन पूछ डाली अगले ने, ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेरियम निकलता है, क्रिप्टन निकलता है, सबको पता है, राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं फिर से 2020 में, पढ़ो। कह रहा है लाइट विद एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इंटेंसिटी होगी लाइट रेडिएशन की, यूनिट से ही कैच कर लिया हमने, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग यानी एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है ना, एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया दिस मच, एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन, तो हमें एनर्जी निकालनी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कोई रेडिएशन प्रेशर नहीं पूछ रहा, जो हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को वहां पे जीरो डाले। हाँ, अगर फोर्स पूछ रहा होता, रेडिएशन प्रेशर पूछ रहा होता, तो बिल्कुल हम उसको जीरो डालते, पर पूछा ही नहीं, अगले ने एनर्जी पूछ डाली, सवाल ही बर्बाद कर दिया। 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम कितना दे रखा है भाई? टाइम 1 मिनट दे रखा है, 60 सेकंड, एरिया कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो गया, ठीक है ना। अब आंसर 400 × 60 हो गया, और ये हो गया 24 × 10³, 24 × 10³। अब मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरा राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। चलते हैं आगे, 21 पे पहुंच गए, पढ़ो। सीक्वेंस पूछ रहा है, कराया ना मैंने आपको सीक्वेंस वाला सवाल, तो आ गया देखो उसी तरीके का। ये कह रहा है जेड एक्स ए, जेड माइनस वन बी, जेड माइनस थ्री सी, जेड माइनस टू डी। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर एक से कम हो गया। एटॉमिक नंबर एक से कब कम होता है? जब बीटा प्लस पार्टिकल निकलता है, तो पहला होना चाहिए बीटा प्लस। बीटा प्लस के हिसाब से देखोगे तो ये आंसर हो गया, ये नहीं है, ये नहीं, आपका आंसर ही आ गया पहली स्टेप में, ठीक है ना, ये भी नहीं है। तो पहला होना चाहिए बीटा प्लस। अब यहां पर आप चेक करोगे तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, तो इधर बीटा प्लस हो गया। इधर चेक करें तो अल्फा पार्टिकल निकला होगा, तभी एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ होगा। फिर एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया, ठीक है ना, 1 से सॉरी बढ़ गया, कम नहीं हो गया, कम करते तो जेड माइनस 4 हो जाता, तो प्लस 1 करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, और ऐसा बीटा माइनस में होगा। तो बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, राइट आंसर थर्ड है। चलते हैं आगे, नीट 21 पढ़ो। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 100 आवर्स, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर। फ्रैक्शन ही पूछ लिया और कुछ नहीं मिला इसको। तो ए बाय ए नॉट का रेशियो पूछा, तो ए बाय ए नॉट, चलो पहले तो इक्वेशन लिखू, तो ए बराबर ए नॉट बाय 2 की पावर n, तो फ्रैक्शन हो गया ए बाय ए नॉट 1/2 की पावर n, n हो गया गिवन टाइम बाय टी हाफ। गिवन कितना है? 150, टी हाफ कितना है? 100, 1/2 की पावर 1.5, ना बुद्धि ब्रश करने की जरूरत नहीं, 2 की पावर 1.5 3/2 हो गया, तो 1/2 की पावर 3/2, अब बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, 1/2√2, तो फ्रैक्शन आ गया 1/2√2, राइट आंसर आपके सामने, राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। चलते हैं आगे, 21 का एक और प्रॉब्लम पढ़ो। न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट ईच ऑफ मास नंबर 120, ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहा है। आगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ एन अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज दिस मच, वाइल दैट ऑफ फ्रेगमेंट इज दिस मच, टोटल गेन। कराया था ना मैंने ऐसा सवाल, तो सेम उसी तरीके का है। तो ये कोई न्यूक्लियस ले लेते हैं, ये दो एक जैसे न्यूक्लियाई में चला जाता है, इसका मास नंबर 240 था और इनका 120 होता है। अनफ्रेगमेंटेड की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपको दे रखी है 7.6 × 240 कर दिया टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इनकी दे रखी है 8.5, तो 8.5 × 120 प्लस 8.5 × 120 कर दी, जो कि टोटल इधर बन गई 8.5 × 240, सही है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब गेन इन बाइंडिंग एनर्जी निकालना, ये रिएक्टेंट हो गया, तो गेन हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लो, 240 कॉमन हो गया, 8.5 − 7.6, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया 15 में से 6 गया, तो ये आ गया 9 × 6 = 15 यानी 0.9 वन ले लो, तो 240 हो गया, 240 से थोड़ा सा कम, 240 से थोड़ा सा कम, एक ही चमक रहा है 216। आपको सर मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। 0, 4, 9 या
0.0 लगाऊं, 4 9 36 इधर आ गया, 3 9 18 19 20 21 216 MeV, है ना। कर भी लो, कौन सा पाप है करने में, ठीक है ना। बट जब आंसर ऐसे ही आ रहा है तो क्यों दिमाग लगाना इतना, ठीक है ना। तो राइट आंसर आ गया 216। नेक्स्ट नीट 21, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ लैम्डा फोटोसेंसिटिव सरफेस पर इंसिडेंट होती है, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, इंपॉर्टेंट, यानी इसका वर्क फंक्शन ही जीरो है। ऐसी घटना नीट एग्जाम में पहली बार हुई कि वर्क फंक्शन जीरो वाला मेटल ले लिया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। इफ एम इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस एज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी, देन, तो हमें ये बताना है। तो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ई के बराबर हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारी ए सी वाई लैम्डा हो जाएगी। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 mk, ठीक है ना। तो अब यहां से लैम्डा डी का वैल्यू हो गया एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m, अब k की जगह मैंने डाल दिया ए सी वाई लैम्डा। अब क्या कर लेना चाहिए, स्क्वायर ही कर लेना चाहिए, रूट गायब हो जाएगा। तो लैम्डा डी का स्क्वायर बराबर ये हो गया एच स्क्वायर लैम्डा बाय 2 m एच सी, एक एच को यहां से विदा करो, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास लैम्डा इक्वल्स टू 2 mc डिवाइडेड बाय एच लैम्डा डी का स्क्वायर, दिस इज आर राइट आंसर। मैं ढूंढूं इसमें कौन सा है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 mc बाय एच इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, तो मेरे को साफ दिख रहा है राइट आंसर मेरा थर्ड वाला है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नीट 21 का एक और प्रॉब्लम, ये पीछा नहीं छोड़ रहा पर हम भी नहीं छोड़ रहे, डटे हुए मैदान में, ठीक है ना। एक एक प्रॉब्लम देख लो, आराम से फूक के आ सकते हो भाई, अगर अब भी तुम नहीं कर पाए तो फिर कब करोगे, ठीक है ना, अब तो जागो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस व्हेन इट डिलीवर्स अ पावर ऑफ दिस, तो पावर दे रखी है। अब पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। अब एन फोटोन मान लो एमिट कर रहा है तो एन ई बाई टी हो गया, तो अब हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड यानी एन बाई टी का वैल्यू। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हमारे पास आ गया पी बाई ई, पावर हमारे पास अवेलेबल है 3.3 × 10⁻³ और एनर्जी हम जानते हैं सी वाई लैम्डा होती है, डाल दिया। अब ये ध्यान रखना ये वॉट में है, तो इधर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जुगाड़ नहीं चलेगा, एच सी का वैल्यू हमें जूल में चाहिए होगा, ठीक है ना। तो 3.3 × 10⁻³ लैम्डा कितना है, 600 नैनोमीटर, 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय एच सी। अब एच सी को आप लिख सकते हो थोड़ा स्मार्टली, देखो एच होता है 6.6, 20/3 डाल लो वही होता है, तो 20/3 × 10⁻³ मैं लिख के दिखाता हूँ, −34 और C का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸, गेम खत्म। तो यहां पर 3 से 3 तो निकल लिया बेचारा, ठीक है ना, 20 और ये निकल गया, यहां बचा हमारे पास 30, ठीक है, तो काम ही पूरा खत्म कर दिया। 30 × 3.3 करेंगे 99 हो गया, 10⁻³ देख लेते हैं भाई कितनी बची, 9 और 3 हो गया 12, ठीक है, और नीचे ये 14 में से 8 गया 6 यानी 10⁻², 26 − 12 करेंगे तो ये 6 में से 2 गया 4 और 14 बचा, 99 × 10⁴, इतने फोटॉन्स पर सेकंड उसमें से निकलेंगे। अब 99 को 100 ही ले लो तो 10⁻⁙ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएंगे, ढूंढो आंसर। तो 10⁻⁶ फोटॉन पर सेकंड के हिसाब से राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। ये थे सारे के सारे क्वेश्चन, अब बारी आती है इंपॉर्टेंट की, ठीक है ना, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इंपॉर्टेंट, अरे इंपॉर्टेंट कहाँ गए, सर इंपॉर्टेंट कहाँ है तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पता तो है ना, 5 क्वेश्चन आने 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, पूरे एटम और न्यूक्लियाई से मिलकर के 5 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए दोनों के दोनों टेस्ट आप कोई रिस्क ना लेते हुए कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना कि मैंने बता दिया नहीं बस वही करना, नहीं जी, आपने सारे करने हैं। मैं नहीं चाहता आपका कोई एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटे, तो इंपॉर्टेंट पूरे टेस्ट है इसका, आपको मॉडर्न फिजिक्स का पूरा टेस्ट सॉल्व करना है, कंसेप्चुअल एडवांस, यही सॉल्व कर लिया तो समझ लो नीट एग्जाम के अंदर 5 सवाल 20 नंबर पक्के हो गए, छोड़ के नहीं आना, ठीक है ना। अब आगे की स्ट्रैटेजी, कल आपका फिर से ब्रेक है, जम के मॉडर्न फिजिक्स तैयार करो, फिर हम लोग मिलेंगे लास्ट यूनिट में, कौन सा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और EM वेव, ठीक है ना। तो चलो अच्छे से तैयार करो, मिलते हैं परसों, थैंक यू सो मच।